हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल और डिजिटल लीगल स्टूडियो। एंड आई एम योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह। डेली हिंदू न्यूज एनालिसिस सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज 3 जनवरी 2022 के हिंदू न्यूज एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली खबर देखने को मिलती है वो है ₹8 लाख इनकम रीजनेबल कैप फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कोटा, सेंटर्स टेल्स सुप्रीम कोर्ट। तो मैं पहले आपको इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ। हुआ क्या था कि लाइक सेंटर ने फिक्स कर दिया था ₹8 लाख इकोनॉमिक कोटा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा था कि भैया ये ₹8 लाख कहाँ से लाए हो निकाल के, वो तरीका बता दो, किस तरीके से आप ₹8 लाख पर पहुंचे हो कि ₹8 लाख जो होंगे, ₹8 लाख जो एनुअल इनकम होगी उससे पता लग जाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। क्या क्राइटेरिया था, क्या पैरामीटर्स थे, कौन से स्टैंडर्ड थे जिससे आप ये आपने जो फिगर निकाली है ₹8 लाख की। द क्राइटेरिया इज मोर स्ट्रिंजेंट देन द वन फॉर ओबीसी क्रीमी लेयर द गवर्नमेंट से। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर स्ट्रिक्ट कह सकते हैं, प्रिसाइज कह सकते हैं, और हिंदी में बात करें तो कठोर कह सकते हैं, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं। अ गवर्नमेंट रिपोर्ट इन द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट द इनकम इज अ फीजेबल क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन सोसाइटी। इनकम इज अ फीजेबल क्राइटेरिया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कौन है, किस आधार पर तय करेंगे, इनकम कितनी है उस आधार पर तय करेंगे। एंड द एनुअल फैमिली इनकम ऑफ ₹8 लाख इज अ रीजनेबल थ्रेशोल्ड टू डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन ऑर्डर टू एक्सटेंड रिजर्वेशन इन एडमिशन एंड जॉब्स। और सरकार यहाँ पर कह रही है कि जिनकी एनुअल इनकम ₹8 लाख या उससे कम है, दिस इज अ गुड एंड द रीजनेबल थ्रेशोल्ड डिटरमाइन करने के लिए कि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है सोसाइटी के और उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है स्कूल कॉलेजेस में एडमिशंस के लिए और जॉब्स में एडमिशंस के लिए। अ फिजिबल क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैन बी बेस्ड ऑन इनकम दैट इज फैमिली इनकम। अ थ्रेशोल्ड ऑफ ₹8 लाख ऑफ एनुअल फैमिली इनकम इन द करंट सिचुएशन सीम्स रीजनेबल फॉर डिटरमाइनिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी सबमिटेड एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एफिडेविट कंक्लूडेड, राइट। तो ये ₹8 लाख का उन्होंने सबमिट किया है। उसके बाद The committee did not agree with the notion that the union government had mechanically adopted 8 lakh as a number because it was also used for the OBC creamy layer cut-off. तो राइट, पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने डांट दिया था सरकार को कि ₹8 लाख तुम ऐसे ही हवा में से निकाल कर ले आए हो कहीं पे, कि ₹8 लाख होंगे तो होगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अगर फैमिली इनकम इससे कम है। तो एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी को काम सौंपा गया था। तो उस कमेटी ने कहा है कि हम एग्री नहीं करते इस चीज़ से कि गवर्नमेंट ने मैकेनिकली अडॉप्ट कर लिया था ₹8 लाख। मतलब गवर्नमेंट ने सोच समझ कर सारे सर्वेज करके R&D करके इस ₹8 लाख पर वो पहुंचे थे कि जो ₹8 लाख से कम कमाएंगे दैट विल बी अंडर द वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। नॉट सेम इट सेड दैट द इनकम क्राइटेरिया फॉर EWS वॉज मोर स्ट्रिंजेंट देन द वन फॉर द OBC एंड क्रीमी लेयर। मतलब उससे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, स्ट्रिक्ट है जो OBC और क्रीमी लेयर के लिए हमने रखा है। Firstly, EWS criteria relate to the financial year prior to the year of applications, where the income criteria for the creamy layer in OBC category is applicable to the gross annual income for 3 consecutive years, the committee said. यहाँ पर इन्होंने reason दे दिया कि ये जो economically criteria है वो that relate to the financial year prior to the year of applications, जब applications आई थी उससे पहले साल का, जहाँ पर इनकम क्राइटेरिया था क्रीमी लेयर और ओबीसी कैटेगरी के लिए, इज एप्लीकेबल टू ग्रॉस एनुअल इनकम फॉर 3 consecutive years। जो लगातार 3 consecutive years होंगे उनकी एनुअल इनकम पर डिपेंड करेगा। सेकेंडली, इन केस ऑफ ओबीसी क्रीमी लेयर, इनकम फ्रॉम सैलरीज, ओबीसी और क्रीमी लेयर में जो सैलरीज इनकम हो रही है, एग्रीकल्चर से इनकम हो रही है, ट्रेडिशनल आर्टिसनल प्रोफेशंस, मतलब होता है ना जिनका पारंपरिक, पहले दादा भी वही काम करते थे, पिता भी वही करते थे, बेटा भी वही कर रहा है, उनको एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम द कंसिडरेशन। कहाँ पर, जहाँ पर 8 लाख क्राइटेरिया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, इंक्लूड ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग फार्मिंग, उसमें फार्मिंग भी इंक्लूड है। उसके बाद द डिजायरेबिलिटी ऑफ एन यूनिफॉर्म इनकम बेस्ड थ्रेशोल्ड हैज बीन अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड इट कैन बी अडॉप्टेड अक्रॉस द कंट्री एज मैटर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी। पूरी कंट्री में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है इस थ्रेशोल्ड को फॉर द मैटर ऑफ इकोनॉमिक एंड द सोशल पॉलिसी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना है। ए लुक एट द सम ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी, कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन भी दी है। द करंट ग्रोस एनुअल फैमिली इनकम लिमिट टू ₹8 लाख और लेस फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में भी रिटेन, इसको रिटेन किया जा सकता है ₹8 लाख को, कि जो इतना कमाते हैं साल में ₹8 लाख फैमिली इनकम है जिनकी या उससे कम है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आएंगे।
EWS में एक्सक्लूड, इररेस्पेक्टिव ऑफ इनकम, अ पर्सन हुज फैमिली हैज 5 acre ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव, एक्सक्लूड किया जा सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ इनकम की कितना कमा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी फैमिली के पास 5 acre की लैंड है या उससे ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड है, मतलब 5 acre की एग्रीकल्चर लैंड मिनिमम 5 acre या उससे ज़्यादा, उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है। द रेजिडेंशियल एसेट्स क्राइटेरिया में ऑल टुगेदर भी रिमूव, रेजिडेंशियल एसेट अगर कोई है तो उस क्राइटेरिया को भी रिमूव किया जाएगा। सडन अडॉप्शन ऑफ न्यू क्राइटेरिया इन द कमेटी रिपोर्ट वुड डिले एंड हैव अ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन एडमिशन्स एग्जाम एटसेट्रा, एग्जिस्टिंग सिस्टम फॉलोड फ्रॉम 2019 मे बी कंटिन्यूड दिस ईयर एज वेल। जो 2019 से एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको इस साल भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आप कुछ चेंज करते हो उसमें तो लाइक हर चीज़ में डिले होता चला जाएगा। तो याद रखना है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कितनी रखी है, 8 लाख रुपये रखी है, 8 लाख रुपये सालाना इनकम या उससे कम जो भी होगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आएगा, और जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड है 5 acre या उससे ज़्यादा कि उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं सेंसस की तरफ, चलते हैं जनगणना की तरफ। सेंसस फर्स्ट फेज NPR डेटा कलेक्शन डेफर्ड टिल सेप्टेम्बर, द एक्सरसाइज वॉज शेड्यूल्ड टू बिगेन इन अप्रैल 2020। तो अप्रैल 2020 में लाइक शुरू होना था। उसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कहती है खबर। द फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस एंड द कलेक्शन ऑफ डिटेल्स टू अपडेट द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR हैव बीन पोस्टपोन, एटलीस्ट टिल सितंबर तक पोस्टपोन कर दिया गया है। द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI हैड इन दिसंबर इन्फॉर्म्ड दैट द स्टेट्स दैट द फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट तहसील्स तालुका एंड पुलिस स्टेशन हैड बीन पोस्टपोन टिल June 2022, अ सीनियर ऑफिशियल सेड ऑन संडे। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, क्या कह रहे हैं कि द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI हैड इन दिसंबर इन्फॉर्म्ड द स्टेट, RGI ने स्टेट्स को इन्फॉर्म कर दिया था दैट द फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये जो टर्म है ना फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कि डिस्ट्रिक्ट की, तहसील की, सब डिस्ट्रिक्ट की, तालुकाज की और पुलिस स्टेशन की जो बाउंड्री है उसको फ्रीज कर दिया जाए, ना तो आप वो बाउंड्री घटाएंगे ना वो बाउंड्री आप बढ़ाएंगे। लाइक जब भी आपने देखा होगा इसका एक इम्पॉर्टेंट एक वर्ड सुना होगा आजकल आपने जम्मू कश्मीर में बड़ा तहलका मचा हुआ है, डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन मतलब दोबारा से किसी चीज़ की लिमिट्स फिक्स करना, और डीलिमिटेशन दोबारा से फिक्स करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं डीलिमिटेशन में, या तो आप बाउंड्रीज बढ़ा सकते हैं या आप बाउंड्रीज घटा सकते हैं। जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जनसंख्या होती है ना उसके बाद सीट्स बढ़ जाती हैं जनगणना के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में, लाइक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में या स्टेट लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब सीट्स बढ़ती हैं जनसंख्या बढ़ती हैं तो जो लोग इलेक्ट होते हैं जो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस में चाहे वो MP के लिए हो MLA के लिए हो उनके नंबर भी बढ़ जाते हैं। तो डिलिमिटेशन में सरकार क्या करती है जो एग्जिस्टिंग एरिया है पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग एरिया उसको थोड़ा बढ़ा देती है और घटा देती है। तो नेता लोग इसलिए चिल्लाते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया से लगातार कोई MP और MLA बनता हुआ आ रहा है उसमें फिर दूसरी वोट्स आती हैं, लाइक एरिया बढ़ेगा तो दूसरे इलाके के लोग भी शामिल होंगे, क्या पता वो उस नेता को उसी तरीके से वोट डालते हैं या नहीं डालते हैं, मतलब वोट बैंक इनका गड़बड़ा जाता है। फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज सेंसस के लिए एक बार भैया हमें सेंसस कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद अगर आपको बाउंड्रीज इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है कोई भी चेंजेस करना है तो उसके लिए यहाँ पर कहा गया। फ्रीजिंग ऑफ द बाउंड्री लिमिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एटलीस्ट 3 month प्रायर टू द एक्सरसाइज इज अ प्री रिक्विजाइट फॉर कंडक्टिंग द सेंसस। जब भी आप सेंसस कंडक्ट करते हैं तो फ्रीजिंग द बाउंड्री लिमिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बाउंड्री लिमिट्स 3 महीने पहले, ये प्री रिक्विजाइट है उसके लिए सेंसस के लिए जरूरी है। इवन इफ द RGI इशूज एन ऑर्डर इन जून टू फ्रीज द बाउंड्रीज अगेन द एक्सरसाइज कैन टेक प्लेस ओनली इन सितंबर। अगर लाइक RGI कहते हैं कि जून में आपको बाउंड्रीज फ्रीज करनी है जून, तो 3 महीने जुलाई अगस्त सितंबर तो ही सितंबर में ये कंप्लीट हो पाएगा, शुरू होगा। द सेकेंड एंड द मेन फेज ऑफ द डेस्किनल एक्सरसाइज द पॉपुलेशन इनोमरेशन वॉज टू बी कंक्लूडेड बाई March 5, 2021। तो जो पॉपुलेशन इनोमरेशन है वो कब तक कंप्लीट करना है, March 5, 2021 तक करना था इन लोगों को। उसके बाद देर वॉज ए बैन ऑन द स्टेट्स टू क्रिएट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फ्रॉम January 1, 2020 टू March 31, 2021। तो स्टेट्स के ऊपर भी एक बैन था कि आप नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्रिएट नहीं कर सकते January 1, 2020 से लेकर March 31, 2020 तक। राइट गाइज, चलते हैं अगली खबर की तरफ। CM टू फ्लैग ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस फॉर DTC, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल। उसके बाद अ प्रोटोटाइप ऑफ एन इलेक्ट्रिक बस टू बी इंडक्टेड इन टू द फ्लीट ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन DTC को दिया जाएगा हैज अराइव्ड आफ्टर अ लॉन्ग वेट एंड इट विल बी सून फ्लैग्ड ऑफ बाई चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने कहा है
लाइक दिल्ली डीटीसी के फ्लीट में एक इलेक्ट्रिक बस आई है और इसको जल्दी फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। द डीटीसी इज प्रोक्यूरिंग 300 इलेक्ट्रॉनिक बसेस हुज डिलीवरी वाज ड्यू टू बिगिन इन नवंबर लास्ट ईयर, इट वाज डिलेड ड्यू टू द वेरियस रीजन इंक्लूडिंग टू द ऑनगोइंग पेंडेमिक। तो डीटीसी जो है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, वो 300 इलेक्ट्रॉनिक बस इंक्लूड करना जा रहा है अपने फ्लीट में ना, तो ये लास्ट नवंबर में ही हो जानी थी इसकी डिलीवरी शुरू, लेकिन बहुत सारे रीजन प्लस पेंडेमिक, अब पेंडेमिक तो हर जगह जुड़ जाता है रीजन ना, तो वो उसकी वजह से डिले हो गया है। मोर ई बसेस विल बी इंडक्टेड इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में और भी इलेक्ट्रॉनिक बसेस जो हैं वो इंक्लूड की जाएंगी डीटीसी के फ्लीट में। तो चलते हैं आगे। हाईकोर्ट अलाउस वुमेन टू टर्मिनेट 28 वीक प्रेगनेंसी। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला को उसकी 28 हफ्तों की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के ऑर्डर्स दे दिए हैं। फीटस सफर्स फ्रॉम अ रेयर कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज। आपने सुना होगा कि कुछ लोगों के दिल में छेद होता है, तो वो जो फीटस डेवलप हो रहा था उसके लाइक पाया गया उसके हार्ट में ना एक वो था लाइक छेद उस डिजीज से, विच इज सब्सटेंशियल एबनॉर्मलिटी, इसको सब्सटेंशियल एबनॉर्मलिटी कहा गया। और ये सारी की सारी मेडिकल कंडीशंस दिखाने के बाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि यू कैन टर्मिनेट योर प्रेगनेंसी। अब इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देख सकते हैं। द दिल्ली हाईकोर्ट हैज सेड दैट द रिप्रोडक्टिव चॉइस इज द फेसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ अ वुमेन। रिप्रोडक्टिव चॉइस क्या है? दैट इज द फेसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट ऑफ अ वुमेन एंड अ डायमेंशन ऑफ हर पर्सनल लिबर्टी। और उसकी पर्सनल लिबर्टी का भी एक आयाम है वो, जिसमें वो चूज कर सकती है। वाइल अलाउिंग ए वुमेन टू टर्मिनेट हर 28 वीक्स प्रेगनेंसी एज द फीटस सफर्स फ्रॉम अ रेयर कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस। तो लाइक फीटस जो था, फीटस को हिंदी में भ्रूण कह देते हैं, भ्रूण, ठीक है, भ्रूण, वो हार्ट डिजीज से सफर कर रहा था। जस्टिस ज्योति सिंह एग्रीड विद द कंटेंशन ऑफ द वुमेन दैट कंटिन्यूइंग द प्रेगनेंसी वुड कोज ग्रेव इनजस्टिस टू हर मेंटल हेल्थ। उस महिला ने ये कहा कि अगर मैं इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती हूँ तो इट विल कोज मे अ ग्रेव इनजस्टिस टू माई मेंटल हेल्थ, लाइक मेरा जो मानसिक स्वास्थ्य है इस बात से पीड़ित रहेगा, मैं यही सोचती रहूँगी कि लाइक ये ऐसा लाइक जो बेबी होगा उसको प्रॉब्लम होगी, उसको हम कहाँ कहाँ लेकर जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। द पिटिशनर वूमेन इन माई व्यूज़, जस्टिस ज्योति कह रही हैं, इज जस्टिफाइज इन कंटेंटिंग दैट द कंटिन्यूइंग विद द प्रेगनेंसी, अगर वो प्रेगनेंसी के साथ कंटिन्यू करती है, वंस इट इज़ नोन दैट, जबकि उसको पता है कि जो फिटस है वो सफ़र करता है एक ऐसी बीमारी से विच इज़ सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटी, जिसको सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटी कह सकते हैं, विद अटेंडेंट कॉम्प्लिकेशन इन रिस्क, जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन और खतरे भी हैं, वुड हैव ए डिटोरियस इम्पैक्ट ऑन हर मेंटल हेल्थ, और उसका एक डेफिनेटली एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा उस महिला की मेंटल हेल्थ के ऊपर, क्योंकि उसको पता है कि वो जो फिटस है वो एक लाइक एबनॉर्मलिटी है उसमें, और एक बहुत गंभीर बीमारी से वो जूझ रहा है। अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट MTP, अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, टर्मिनेशन इज परमिसेबल वेयर द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी डज नॉट एक्सिस 20 वीक्स। याद रखना है इस चीज़ को कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब तक नहीं कब कर सकते हैं आप, जब जो वो 20 वीक्स प्रेगनेंसी के 20 वीक्स से पहले पहले आप कर सकते हैं, अगर इसको एक्सीड कर गया तो आप नहीं कर सकते। इसमें क्या है, 28 हफ्तों की प्रेगनेंसी थी, 8 हफ्ते एक्सीड कर चुका था। ऑन एन ओपिनियन फॉर्म्ड ऑफ अ डॉक्टर दैट द प्रेगनेंसी वुड कोज अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ अ प्रेगनेंट वुमेन और ग्रेव इंजरी टू हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ, और इफ देयर इज अ रिस्क दैट अपॉन बर्थ ऑफ द चाइल्ड इट वुड सफर सीरियस फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी। ठीक है, ये कहता है कि क्या कहता है MTP, वेयर द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी डज नॉट एक्सीड 20 वीक्स, ऑन एन ओपिनियन फॉर्म्ड ऑफ अ डॉक्टर, जहाँ पर डॉक्टर ये बता दे कि लाइक डॉक्टर इज एक्सपर्ट ना, वही तो बताएगा कि इस प्रेगनेंसी की वजह से महिला की मानसिक और शारीरिक नुकसान उसको हो सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट होगा उसकी हेल्थ पर, और जो लाइक जो चाइल्ड होगा वो बर्थ के बाद कुछ सीरियस फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी उस चाइल्ड को हो सकती है। वेयर द लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी एक्सीड 20 वीक्स बट नॉट 24 वीक्स, ऐसे केसेस में जहाँ पर प्रेगनेंसी जो है 20 हफ्तों से ऊपर हो चुकी है लेकिन 24 हफ्तों से कम है, टर्मिनेशन इज परमिसिबल ऑन द ओपिनियन फॉर्म्ड ऑफ 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो ऐसी स्थिति में टर्मिनेशन की परमिशन दे दी जाती है। कौन सी स्थिति में? जहाँ पर जो प्रेगनेंसी है उसकी लेंथ मतलब 20 हफ्तों से ज़्यादा हो लेकिन 24 हफ्तों से कम हो, ऐसे में क्या होगा, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे, डॉक्टर्स होंगे, उनका ओपिनियन में अगर ये है कि टर्मिनेशन किया जा सकता है, एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, तो ऐसे में परमिशन मिल जाती है। उसके बाद हाउएवर इन द प्रेजेंट केस द वुमेन हैज कंप्लीटेड 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी
एज द एमटीपी एक्ट डज नॉट परमिट प्रेगनेंसी टर्मिनेशन बियॉन्ड 24 वीक्स शी अप्रोच द कोर्ट। अब एमटीपी एक्ट के हिसाब से किसी भी सूरत हाल में 24 महीने से ऊपर की प्रेगनेंसी को आप टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो महिला जो है वो कहाँ पर पहुंची, कोर्ट के पास पहुंची। द वुमेन 33 ईयर्स ओल्ड सेड शी हैड बीन अंडरगोइंग रेगुलर चेकअप्स फ्रॉम द 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 5th वीक से रेगुलर चेकअप करवा रही हैं फ्रॉम द अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट कंडक्टिंग ड्यूरिंग द 20th वीक ऑफ जेस्टेशन। इट वॉज रिवील्ड दैट देयर वॉज ए कोरोइड प्लेक्सस सिस्ट इन द लेफ्ट लेटरल वर्टिकुलर ऑफ द फिटिस द प्लीज सेड। तो लाइक उनको पता लगा लाइक 20th वीक ऑफ जेस्टेशन में कि यह पता लगा कि जो फिटस है उसको एक ऐसी सिस्ट मतलब कोई गांठ है उसकी लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल में फिटस की जो उसके लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है। द हाई कोर्ट सेड द वुमेन कैन नॉट बी डिप्राइव ऑफ द फ्रीडम टू टेक अ डिसीजन टू कंटिन्यू और नॉट टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी इन द बैकड्रॉप ऑफ द फीटल एबनॉर्मलिटीज। हाई कोर्ट ने ये कहा कि जब हमें ये पता लग गया है कि जो फिटस है उसमें बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, ऐसी स्थिति में हम इस महिला की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते कि वो डिसाइड करे कि उसको कंटिन्यू करना है प्रेगनेंसी को या नहीं करना है। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए, 24 हफ्तों की प्रेगनेंसी के बाद उसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, एमटीपी कह रहा है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा, इट्स अ फ्रीडम टू टेक डिसीजन टू कंटिन्यू। एक कंडीशन लग गई है कि फिटस में एबनॉर्मलिटी है, तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स दोबारा देखने को मिलते हैं ऑन सर्टेन कंडीशंस, राइट। तो हाई कोर्ट ने कहा कि हम नहीं उसको मना कर सकते जब वो पता है कि फिटस में प्रॉब्लम है, तो अब ये उसकी कॉल है कि उसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अगर वो नहीं करना चाहती तो हम आदेश दे देते हैं कि इसको टर्मिनेट कर दिया जाए और ये क्राइम नहीं होगा। इट टुक द डिसीजन बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट बाई अ मेडिकल बोर्ड विच ओपाइन दैट द चाइल्ड इफ बोर्न, अगर बच्चा पैदा हुआ, मेडिकल बोर्ड ने यह कहा, वुड हैव टू अंडरगो रिपीटेड कार्डियक सर्जरीज, और उस बच्चे को ना बहुत सारी कार्डियक सर्जरीज करनी पड़ेगी बार बार, मतलब उसके दिल की सर्जरी करनी पड़ेगी, दिल में छेद है। द बोर्ड सेड दैट द फीटस सफर फ्रॉम अ होल इन द हार्ट। बोर्ड ने कहा कि फीटस का जो हार्ट बना हुआ है उसमें होल है, अलॉन्ग विद द पुअरली डेवलप्ड वॉल दैट गार्ड द ब्लड वेसल, और जो वॉल्स होती हैं हार्ट में जो ब्लड वेसल को गार्ड करती हैं वो भी पुअरली डेवलप्ड हैं। टेकिंग ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट टू लंग्स विच लीड्स टू बोथ ऑब्स्ट्रक्शन एंड लीकिंग ऑफ वॉल, ऑब्स्ट्रक्शन और लीकिंग ऑफ वॉल भी है। द बोर्ड सेड दैट इन एडिशन टू द हार्ट डिजीजेज द फीटस इज लाइकली टू हैव एसोसिएटेड एयर वे प्रॉब्लम लीडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सपोर्ट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। यानी कि ये भी कहा है कि अगर बच्चा होगा और उसको इस तरह की समस्या है हार्ट डिजीज वाली, तो ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ उसको वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखना पड़े, रेस्पिरेटरी सपोर्ट पर रखना पड़े। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेडिकल बोर्ड के ओपिनियन के साथ कोर्ट ने कहा कि ये आपकी कॉल है, अगर आप करवाना चाहती हैं तो हम परमिशन दे देते हैं, आप लाइक बियॉन्ड 24 वीक्स प्रेगनेंसी भी टर्मिनेट करी जा सकती है ऑन सम मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। चलते हैं आगे, राजस्थान टू माइन लिग्नाइट फॉर एनहेंस्ड पावर जनरेशन। अब राजस्थान जो है वो पावर जनरेशन बढ़ाना चाहता है ताकि लोगों को पावर सप्लाई बहुत अच्छी हो और जो पावर की कॉस्ट है लोगों पर कम आए। अब ये लिग्नाइट क्या होता है, तो आपने कोल सुना होगा, कोल कोयला, एक तो बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस राइट ऐसा करके होता है ना, एक होता है बिटुमिनस कोल, एक होता है पीट कोल, ठीक है। तो ये जो लिग्नाइट है ये बिटुमिनस और पीट के बीच की कैटेगरी का है, राइट, हल्का सा ब्राउन कलर का होता है, इट इज ऑफ ब्राउन कलर, और इसके जो ट्रेसेस मिलते हैं हमें कि लाइक ये प्लांट स्ट्रक्चर से मतलब बना होता है ऐसा कुछ मिलता है, और बिटुमिनस और पीट कोल की कैटेगरी है जो उनके बीच का एक प्लांट होता है। उसके बाद एनवायरमेंटल क्लीयरेंस फॉर कोल माइनिंग इज ऑब्टेंड, कोल माइनिंग के लिए एनवायरमेंटल क्लीयरेंस मिल गई है। द कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान इज प्रिपेयरिंग एन एम्बिशियस रोड मैप इन द न्यू ईयर फॉर माइनिंग द लिग्नाइट इन बीकानेर डिस्ट्रिक्ट गुड़ा वेस्ट एंड द इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू लिग्नाइट वेस्ट थर्मल पावर प्लांट इन इट्स विसिनिटी, ठीक है। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में गुड़ा वेस्ट में कर रही है और एक नया लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट लगाना चाहती है राजस्थान गवर्नमेंट। द जॉइंट एक्शन प्लान इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली एनहेंस द स्टेट पावर जनरेशन कैपेसिटी, स्टेट पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ा देगा। द राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम हैज रिसेंटली ऑब्टेंड एनवायरमेंट क्लीयरेंस फॉर कोल माइनिंग एट पारसा ईस्ट एंड कांते बेसिन। कहाँ पर कोल माइनिंग की परमिशन ली है इन्होंने, यह है पारसा ईस्ट और कांते बेसिन, कांते बेसिन सेकेंड फेज इन
छत्तीसगढ़ कांते बेसिन के सेकंड फेज में छत्तीसगढ़, फ्रॉम वेयर द स्टेट हैज बीन गेटिंग कोल फॉर इट्स थर्मल पावर स्टेशन, जहां से लाइक थर्मल पावर स्टेशन को राजस्थान को कोयला मिलता रहा है। द अवेलेबिलिटी ऑफ द कोल फ्रॉम छत्तीसगढ़ वॉज गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ नियर एग्जॉशन इन द फर्स्ट फेज। ठीक है, उसकी वजह से ज़्यादा कोयला निकाल लिया था इन्होंने फर्स्ट फेज पे, तो वहाँ से भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। उसके बाद वेयर देर वॉज प्लान टू सेटअप अ पावर प्लांट ऑफ 125 टू 135 मेगावाट कैपेसिटी, ये जो प्लांट सेटअप करने का प्लान है वो 125 मेगावाट से लेके 135 मेगावाट कैपेसिटी का होगा। 2005 में था हालांकि इन्होंने ये सोचा था। फोर पॉसिबल ऑप्शंस वर बीइंग कंसीडर्ड फॉर लिग्नाइट माइनिंग एंड पावर जनरेशन इन द रीजन ही सेड, चार ऑप्शन उन्होंने सोचे थे। मिस्टर अग्रवाल सेड दैट द कंबाइंड वर्क ऑफ माइनिंग एंड द पावर जनरेशन वुड इंक्रीज द स्टेट पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी, पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएगा, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एंश्योर द यूटिलाइजेशन ऑफ लिग्नाइट विद द स्टेट। ठीक है, और लोगों की जेब पर खर्चा कम पड़ेगा तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम करेंगे ये लोग, जैसे इनके पास प्रोडक्शन हो जाएगा पावर का। द रोड मैप विल बी सबमिटेड टू द गवर्नमेंट आफ्टर एनालिसिस ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस, सरकार को सबमिट कर दिया जाएगा मतलब पूरा का पूरा ब्लू प्रिंट और प्लान, जैसे जब जैसे ही वो सारे ऑप्शन को देख लेंगे। कोल क्राइसिस, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड अर्लियर अलॉटेड 1898 1898 हेक्टेयर एरिया फॉर द कोल ब्लॉक्स इन द पारसा ईस्ट एंड द कांते बेसिन टू फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ कोल टू द थर्मल पावर स्टेशन इन राजस्थान। तो लाइक सरकार ने क्या कहता, 1898 हेक्टेयर एरिया राजस्थान को दे दिया था पारसा ईस्ट में और कांते बेसिन में कोल माइनिंग के लिए। बेसिकली द स्टेट वॉज गेटिंग कोल फ्रॉम द रीजन सिंस 2013 आफ्टर द अप्रूवल ऑफ 762 हेक्टेयर्स, बट द क्राइसिस सिचुएशन अरोज रिसेंटली। तो 2013 से ही राजस्थान माइनिंग कर रहा है इस रीजन में, सेंटर के अप्रूवल के बाद 762 हेक्टेयर्स का अप्रूवल उनको दे दिया गया था, तो अभी भी इनके पास लाइक कोल क्राइसिस सिचुएशन है ये जो रिसेंटली अराइज हुई है। तो राजस्थान थर्मल पावर प्लांट सेटअप कर रहा है, आगे चलते हैं। केरला गवर्नर ऑब्जेक्ट टू डिसरिस्पेक्ट, एक चीज़ याद रखना लाइक गवर्नर्स को लेकर आजकल बड़ी न्यूज़ आ रही है, एक तो वेस्ट बंगाल राइट, वेस्ट बंगाल सरकार और वेस्ट बंगाल के गवर्नर में लाइक उनमें बन नहीं रही है, और इधर केरला और केरला के गवर्नर में नहीं बन रही है, केरला गवर्नमेंट में तो न्यूज़ आ रही है। वेस्ट बंगाल को तो आपको पता था कि वो लाइक ममता बनर्जी को चांसलर बनाना चाहते हैं। आपको पता है कि राज्यपाल जो होते हैं वो कुलपति होते हैं स्टेट में जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है, गवर्नर इज द चांसलर ऑफ ऑल द स्टेट यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर बड़ा इशू चल रहा है बंगाल में, इधर यहाँ मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान केरला के गवर्नर हैं, ये भी थोड़ा सा लाइक चल रहे हैं, उनका डिस्प्यूट चल रहा है। मसला क्या है, लीडर ऑफ द अपोजिशन सतीशन स्लैम्स राजभवन प्रपोजल टू अवार्ड डिलीट टू द प्रेसिडेंट कोविंद। अब राजभवन जो है गवर्नर साहब क्या करना चाहते हैं, वो प्रेसिडेंट कोविंद को डिलीट की उपाधि देना चाहते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन वहां पर इसको लेकर बड़ी बहस कर रहे हैं क्यों क्यों देनी है। सुनते हैं, केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैज टेकन स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू मेकिंग नेशनल इंस्टीट्यूशन एंड द नेशनल सिंबल सच एज द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर अ सब्जेक्ट ऑफ कॉमन प्लेस डिस्कशन इन द पब्लिक डोमेन। मिस्टर खान कमेंटेड केम अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द सिमरिंग डिस्प्यूट बिटवीन द राजभवन एंड द केरला गवर्नमेंट ओवर यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट्स एंड ऑनररी डिग्री ग्रांट्स। तो यूनिवर्सिटी में जो VCs अपॉइंट किए जाते हैं और दूसरी अपॉइंट किए जाते हैं और ऑनररी डिग्रीज दी जाती हैं, इसको लेकर एक इशू चल रहा है केरला गवर्नमेंट में और केरला के गवर्नर में। द कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू अ प्रपोर्टेड, उसमें क्या था, राजभवन प्रपोजल, राजभवन का एक प्रपोजल है कि अवार्ड करेंगे ऑनररी डीलिट की उपाधि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को, ये गवर्नर की तरफ से प्रपोजल गया है। द डिस्प्यूट प्रॉम्प्टेड कांग्रेस लीडर रमेश चेंताला टू आस्क द गवर्नमेंट टू क्लैरिफाई वेदर द गवर्नमेंट हैड मेड द रिकमेंडेशन। तो उन्होंने पूछा सरकार से, भैया क्लैरिफाई करो क्या गवर्नर ने ये रिकमेंडेशन की है। उसके बाद ही रिट्रिएटेड दैट द मिस्टर खान हैज एक्टेड अनलॉफुली, उन्होंने कहा कि जो मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान है उन्होंने अनलॉफुली तरीके से काम किया है। इफ़ ही हैड इंडीड समन्ड द वाइस चांसलर एंड आस्क द लेटर टू अवार्ड एन ऑनररी डिग्री ऑफ एनी पर्सन स्पीकिंग टू द पर्सन इन कोचिंग, मिस्टर खान अपीयर टू सजेस्ट दैट ही वॉज वेल विद इन हिज राइट टू मेक द रिकमेंडेशन। और मिस्टर खान ने कहा कि मेरे पास अधिकार है रिकमेंडेशन करने के और मैं कर सकता हूँ। द गवर्नर ऑल्सो रिक्वेस्टेड एवरी वन इंक्लूडिंग द मीडिया टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन इन नेशनल मैटर्स। डिस्क्रिशन का मतलब होता है बच्चों स्वयं विवेक, अपनी बुद्धि से लिए गए डिसीजंस। ठीक है, स्वयं विवेक, डिस्क्रिशनरी पावर्स। ठीक है, तो द गवर्नर ऑल्सो रिक्वेस्टेड एवरी वन इंक्लूडिंग द मीडिया टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन इन नेशनल मैटर रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशन एंड द नेशनल सिंबल्स। तो आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि भैया अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, जब भी आप नेशनल मैटर्स या नेशनल इंस्टीट्यूशन को लेकर कोई भी डिस्कशन करते हैं
वो सम्मानजनक होना चाहिए। द प्रेजिडेंट एंड द गवर्नर आर कंसिडर्ड नेशनल इंस्टीट्यूशन। जी हाँ, प्रेजिडेंट और गवर्नर को हम नेशनल इंस्टीट्यूशन कंसिडर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन कंसिडर करते हैं। प्लीज एक्सरसाइज सम डिस्क्रिशन, डू नॉट मेक दिस ऑफिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। कहने का मतलब है कि आरिफ मोहम्मद खान ये कह रहे हैं, जनता को ये कह रहे हैं, मीडिया को ये कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है, गवर्नर होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इनके पास होता है, संवैधानिक, लाइक ये संवैधानिक पद है भारत में, और दीज आर द इंस्टीट्यूशन। हम ये खुद में संस्था होते हैं, तो बात बात पे इन लोगों को लाइक पब्लिक डोमेन में ड्रैग कर लेना, डिस्प्यूट को या कॉन्फ्लिक्ट को बहुत बड़ा बनाना, तो ये इट विल अमाउंट टू डिसरेस्पेक्ट। तो यहाँ पर आपको अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर ये मोहम्मद आरिफ खान ने कहा है। चलते हैं आगे। तेलंगाना टॉप्स ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस लिस्ट। तो तेलंगाना ने फिर टॉप किया है ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस लिस्ट में। ये ओपन डिफेक्शन फ्री क्या होता है? ODF। ओपन डिफेक्शन फ्री का मतलब ये होता है लाइक वहां पर पर्टिकुलर कम्युनिटी में, पर्टिकुलर स्टेट में जो लोग हैं वो 100% सैनिटेशन फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दे यूज टॉयलेट, बजाय खुले में जाने के वो टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, ओपन डिफेक्शन फ्री। 13,737 ऑफ 14,200 विलेजेस इन स्टेट फीचर्स ऑन द सेंट्रल लिस्ट। वंस अगेन तेलंगाना स्टूड फर्स्ट इन द कंट्री। याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स के लिए। तेलंगाना स्टूड फर्स्ट इन द कंट्री इन द लिस्ट ऑफ द हाइएस्ट नंबर ऑफ ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस ODF प्लस विलेजेस अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज टू प्रोग्राम में जो दिसंबर 31, 2021 तक था। याद रखना स्वच्छ भारत मिशन, ये लिखा हुआ है ना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज टू प्रोग्राम, ये कब था? दिसंबर 31, 2021 तक था। इसमें तेलंगाना ने ODF लिस्ट में, ODF प्लस लिस्ट में क्या किया है? टॉप किया है। एज मैनिंग एज 13,737 आउट ऑफ द 14,200 विलेजेस इन द स्टेट आर इन द ODF प्लस लिस्ट। मतलब 14,200 गांवों में से 13,737 गांव ODF प्लस लिस्ट में आ गए हैं, विच इज 96.74%। तमिलनाडु है इसके बाद विद 4,432 विलेजेस 35.39%, एंड द कर्नाटका विद 1,511 विलेजेस। उसके बाद गुजरात आता है द 17th पोजिशन विद ओनली 83 विलेजेस। तो पहले पे तेलंगाना, फिर तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटका। द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड अ न्यू तेलंगाना पंचायत राज एक्ट टू एंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। अब तेलंगाना की सरकार ने एक नया पंचायती राज एक्ट इनेक्ट किया है गाँवों की लाइक डेवलपमेंट के लिए। अ सेक्रेटरी हैज बिन पोस्टेड इन एवरी पंचायत फॉर स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स। एक सेक्रेटरी को पोस्ट किया गया है ग्राम पंचायत में, जो लाइक वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करवा सके, मॉनिटर कर सके, डिजिटल रिपोर्टिंग एंड टू एंश्योर प्रिवेलेंस ऑफ गुड गवर्नेंस इन विलेज। और सारी वेलफेयर स्कीम्स की अपनी अथॉरिटीज को डिजिटली प्रमोट कर बता रिपोर्ट करता रहे, और गाँव की जो गवर्नेंस है, गाँव में जो सुशासन है वो अच्छे तरीके से चलता रहे, इस सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए एक सेक्रेटरी हर ग्राम पंचायत के साथ पोस्ट किया गया है। द गवर्नमेंट हैज स्ट्रेस ऑन द गार्बेज कलेक्शन एंड द साइंटिफिक डिस्पोजल। अब सरकार का स्ट्रेस किस चीज़ के ऊपर है कि जो कूड़ा और कचरा है उसको उठाया जाए, साफ किया जाए गांवों को, और उसका साइंटिफिक डिस्पोजल किया जाए कचरे का। गार्बेज बिन्स हैव बिन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल हाउस होल्ड। सारे हाउस होल्ड्स को, मतलब जितने भी घर हैं वहाँ पर, उनको डस्टबिन दे दिया गया है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पले प्रगति प्रोग्राम फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस इज बीइंग अपलोडेड ऑन SBMG स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 मोबाइल ऐप विच गेट्स रिपोर्टेड एट द नेशनल लेवल डैशबोर्ड। तो याद रखना है, दिस इज द पाले प्रगति प्रोग्राम फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। चलते हैं, उसके बाद चलते हैं अगली खबर की तरफ। तेलंगाना ने टॉप किया ओपन डिफेक्शन फ्री में, उसके बाद आता है तमिलनाडु, फिर कर्नाटका। अब भैया दो नए पौधों की स्पीशीज मिली है। टू प्लांट स्पीशीज डिस्कवर्ड इन केरला। ये कहाँ पर मिली है? केरला में मिली है। देवर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ तिरुवनंतपुरम एंड द वायनाड। ठीक है, वेस्टर्न घाट रीजन में मिला है, किसके? तिरुवनंतपुरम के और वायनाड के। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो ये खबर इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलते हैं उसके बाद। रिसर्चर फ्रॉम द SNM कॉलेज मलिनकारा, द MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन एंड द पायनूर कॉलेज हैव रिपोर्टेड टू न्यू प्लांट स्पीसीज फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी रिच वेस्टर्न घाट रीजन इन तिरुवनंतपुरम एंड वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। याद रखना पहला पॉइंट, ये जो वेस्टर्न घाट रीजन है तिरुवनंतपुरम और वायनाड का, ये बायोडाइवर्सिटी रिच है, पहला पॉइंट हो गया।
दूसरा दे हैव बिन क्रिस्टीन, इनका नाम क्या है, फिम्ब्री स्टाइलिस सुनिली एंड द नियोन्टिस प्रभुई, इनका नाम, सॉरी अगर मैं इस तरीके से इनको स्पेल कर रहा हूँ, फिब्री स्टाइलिस सुनली एंड द नियोन्टिस प्रभुई एंड द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च टीम हैव बीन डिटेल्ड इन द प्लांट टॉक्सोनॉमी जनरल फाइटोटाक्सा। तो याद रखना कि प्लांट टैक्सोनॉमी जनरल का नाम क्या है, प्लांट टैक्सोनॉमी जनरल का नाम है फाइटोटैक्सा, फाइटोटैक्सा, और इसमें इस जनरल में इनको रिपोर्ट किया गया है इन दोनों स्पीसीज को, ठीक है, फिम्ब्रिस्टाइलिस ये है और नियोन्टिस ये है, राइट एवरीवन। कलेक्टेड फ्रॉम द ग्रास लैंड ऑफ द पोनमुडी हिल्स थिरुवनंतपुरम, फिम्ब्रिस्टाइलिस सुनली हैज बीन नेम्ड आफ्टर प्लांट टॉक्सोनॉमिस सी एन सुनील। ओके, ये कहाँ से मिला है, फिम्ब्रिस्टाइलिस सुनली, सुनीली सुनीली, ठीक है सुनीली, अब पता लग गया हम लोगों को, ये कहाँ से मिला है, ये पोनमुडी हिल से मिला है, थिरुवनंतपुरम की पोनमुडी हिल से। इसका जो नाम रखा गया है वो किसके नाम के बाद रखा गया, एक प्लांट टैक्सोनॉमिस थे सी एन सुनील, उनके नाम के बाद इसका नाम रखा गया है। चलिए पहला नाम तो साइंटिफिक है फिम्ब्रिस्टाइलिस, और लास्ट वाला नाम सुनील, सी एन सुनील के नाम पे सुनीली, फिम्ब्रिस्टाइलिस सुनीली। उसके बाद एंड द रिसर्च गाइड बोटोनॉमी एस एन एम कॉलेज डाटा ये जो सुनी, ये चलते हैं अब डाटा डेफिशिएंट पे। अ पेरिनियल प्लांट ऑफ द काइपेकेरिस फैमिली इज स्टैंड 20 to 59 सेंटीमीटर टॉल एंड वॉज कलेक्टेड फ्रॉम एन एलिवेशन ऑफ 1100 मीटर्स, 1100 मीटर के एलिवेशन पर मिलता है। स्टाइलिस सुनीली हैज बीन प्रोविजनली असेस्ड एज डाटा डेफिशिएंट अंडर द IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी, ठीक है, ICUN की रेड लिस्ट कैटेगरी में हुआ करता था, डाटा डेफिशिएंट में था कि इसका डाटा अवेलेबल नहीं है, रेड लिस्ट में था मतलब लगभग लगभग एंडेंजर्ड था अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स MG सुनील कुमार। नियोन्टिस प्रभुई इज अ प्रोस्टेट पेरिनियल हर्ब, ठीक है, ये किसके नाम के बाद है, KM प्रभु कुमार के नाम पर ये रखा गया है, इसका नाम रखा है नियोन्टिस प्रभुई इज अ प्रोस्ट्रेट पेरिनियल हर्ब नेम्ड आफ्टर KM प्रभु कुमारा सीनियर साइंटिस्ट एट CSIR NBRI लखनऊ इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज रिसर्च ऑन द फ्लावरिंग प्लांट ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो लाइक उन्होंने बहुत रिसर्च की है फ्लावरिंग प्लांट्स कौन है, कौन कौन से हैं वेस्टर्न घाट के, तो उनकी रिसर्च को मद्देनजर रखते हुए नियोन्टिस का जो नाम है और उसका लास्ट नेम जो ये रिसर्चर हैं KM प्रभु कुमार उनके नाम पर प्रभुई रख दिया गया है, नियोन्टिस प्रभुई, मस्त है ना गाइस। डिस्कवर्ड इन द चेम्बरा पीक ग्रासलैंड ऑफ वायनाड, कहाँ से मिला है, चेम्बरा पीक ग्रासलैंड से मिला है वायनाड के। इट हेल्स फ्रॉम द फैमिली रुबेशिया, रुबेशिया एक फैमिली है पौधों की, वहाँ से आता है एंड ग्रोज ऑन हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड, और जो बहुत ऊंचे एल्टीट्यूड पर ग्रासलैंड होते हैं वहाँ पर होता है। नियोन्टिस प्रभुइस ग्रो अप टू 70 सेंटीमीटर इन लेंथ, 70 सेंटीमीटर तक ग्रो करता है एंड इज मैनी फ्लावर्ड विद द पेटल्स पेल पिंक इन कलर, तो बहुत सारी पत्तियां होती हैं जो हल्के गुलाबी रंग की होती हैं अकॉर्डिंग टू ऑथर CN सुनील एंड MG सुनील कुमार एंड द नित्य मदन फ्रॉम द रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ बॉटनी SNM कॉलेज। तो गाइस दो स्पीसीज मिली हैं, पहली का नाम है फिम्ब्रिस्टाइलिस सुनीली और दूसरी का नाम है नियोन्टिस प्रभुई, राइट, वेस्टर्न घाट से मिली है तिरुवनंतपुरम और वायनाड के। आगे चलते हैं पेगासस, 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 राइट एवरीवन, सुना होगा बहुत खबरों में, स्पाई सॉफ्टवेयर फ्रॉम इजराइल। सुप्रीम कोर्ट पैनल टेल्स पीपल टू रिपोर्ट इफ देवर टारगेट, सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने कहा है कि लोगों को प्लीज रिपोर्ट कीजिए अगर आप टारगेट हुए हैं, तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। सिटीजन कैन इन्फॉर्म बाई ईमेल इफ दे सस्पेक्ट सर्विलेंस थ्रू देयर डिवाइसेज, अगर उनको लगता है कि हमारे डिवाइसेज में ऐसा कुछ है तो वो ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। द टेक्निकल कमेटी एग्जामिनिंग द पेगासस स्पाईवेयर एलिगेशन हैज इश्यूड अ पब्लिक नोटिस इनवाइटिंग सिटीजन्स टू कम फॉरवर्ड इफ दे सस्पेक्ट दैट देयर मोबाइल फोन्स और इंस्ट्रूमेंट हैव बीन इन्फेक्टेड विद द इजरायली मिलिट्री ग्रेड मालवेयर। तो यहाँ पर इस कमेटी ने कहा है कि लोगों से कहा है कि आप लोग आइए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो फ़ोन है या आपकी कोई डिवाइसेज है तो जो ये इसराइल का सॉफ्टवेयर है इससे इसको इन्फेक्ट किया गया है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आइए और हमें बताइए। उसके बाद द कमेटी ओवरसीन बाय द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस RV रविंद्रन, ये याद रखना है कि ये जो कमेटी बनाई थी इसमें कौन है, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस RV रविंद्रन, जस्टिस RV रविंद्रन, राइट गाइस। उसके बाद आगे चलते हैं, एग्जामिन दे फोन सेड जस्टिस RV रविंद्रन सेड सिटीजन शुड मेक इट क्लियर वेदर दे वुड लेट द कमेटी फर्दर एग्जामिन देयर फोन
ऑन इंस्ट्रूमेंट इफ रीजनेबल कॉजेज फाउंड दैट दे आर इन्फेक्टेड। और ये भी कहा है कि उन्होंने कि लाइक ये क्लियर किया है सिटीजन्स को, क्या आप हमें अपने लाइक फ़ोन और इंस्ट्रूमेंट्स एग्जामिन करने देंगे कि अगर ऐसा पता लगता है कि आपके फ़ोन और उसको इंस्ट्रूमेंट्स को वो किया गया था, इन्फेक्टेड किया गया था बाई इसराइली मालवेयर। तो उसके बाद आगे चलते हैं, सिटीजन्स वो बिलीव देवर जस्ट अ सेकेंड सिटीजन्स वो बिलीव देवर विक्टिम ऑफ द पेगासस स्नूपिंग शुड राइट टू द टेक्निकल कमेटी एट इंक्वायरी एट पेगासस इंडिया इन्वेस्टिगेशन डॉट इन। तो एक ईमेल आईडी दी गई है जिनको लगता है कि लाइक वो शिकार हुए हैं पेगासस स्नूपिंग का, वो हमें लिख सकते हैं किस पर, इंक्वायरी एट द रेट पेगासस इंडिया इन्वेस्टिगेशन डॉट इन, जनवरी 7 दोपहर तक हमारे पास भेज दीजिए। दे शुड गिव डिटेल रीजन टू सब्सटेंटिएट देयर सस्पिशन, और उनको ये भी बताना पड़ेगा कि आपको क्यों लगता है कि आपका जो लाइक इंस्ट्रूमेंट है उसको हैक किया गया है। न्यूज़ रिपोर्ट हैज सेड इन क्रॉस सेक्शन ऑफ द पीपल फ्रॉम द जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट पार्लियामेंटेरियंस गवर्नमेंट ऑफिशियल लॉयर्स एंड इवन कोर्ट स्टाफर्स वर टारगेटेड यूजिंग पेगासस। खबरों की माने तो लाइक इसमें कौन कौन इंक्लूडेड हैं जिनके साथ ये पेगासस सॉफ्टवेयर वाला हादसा हुआ था कि उनके फ़ोन को ट्रैक किया जा रहा था या डिवाइसेस का, तो इसमें कौन कौन थे, न्यूज़ रिपोर्टर्स थे, ठीक है, जर्नलिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे, पार्लियामेंटेरियंस थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, लॉयर्स थे, और यहाँ तक कि कोर्ट का स्टाफ जो था उसको भी टारगेट किया गया था। वाइड मैंडेट द जॉब कट आउट ऑफ द कमेटी इज टू इंक्वायर इन्वेस्टिगेट एंड डिटरमाइन वेदर द पेगासस सूट ऑफ स्पाईवेयर वाज यूज्ड ऑन फोन्स और अदर डिवाइसेस ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू एक्सेस स्टोर डाटा। मतलब किसके लिए है, बेसिकली इंक्वायर करना है, इन्वेस्टिगेट करना है कि जो पेगासस सूट था बेसिकली स्पाईवेयर था, उसका इस्तेमाल हुआ है भारत के नागरिकों का स्टोर डाटा एक्सेस करने में, उसको चुराने में, ठीक है। उसके बाद इंटरसेप्ट इन्फॉर्मेशन एंड और फॉर एनी अदर पर्पज़, या किसी भी कारण से लोगों के फ़ोन को इन्फेक्ट किया गया है, उनके डिवाइसेस में लाइक ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है गलत तरीके से खबर चुराने के लिए या उनका डेटा चुराने के लिए। द कमेटी ऑल्सो हैज़ टू गेट द डिटेल्स ऑफ द विक्टिम्स एंड और पर्सन अफेक्टेड बाई सच स्पाईवेयर अटैक। ये जो कमेटी है उन लोगों की भी डिटेल्स निकालेगी ऐसे विक्टिम्स से जिनके साथ एक्चुअली में ये हुआ है। द अदर क्वेश्चन फॉर द कमेटी इंक्लूड वेदर पेगासस वाज यूज्ड बाय द सेंटर और द स्टेट और एनी ऑफ द अदर एजेंसीज अगेंस्ट देयर ओन सिटीजन एंड इफ यूज वाज इट ऑथराइज्ड एंड अंडर व्हाट लॉ और प्रोसीजर। कमेटी का एक और काम भी ये है कि लाइक सरकार ने तो कहीं ये नहीं करवाया सेंटर और स्टेट और एनी ऑफ देयर एजेंसीज वेदर पेगासस वाज यूज्ड बाय सेंटर और स्टेट। क्या केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने अपने सिटीजन्स के खिलाफ ही तो नहीं इसका इस्तेमाल करवाया गया है? अगर करवाया है तो क्या उसकी परमिशन दी गई थी? अगर दी गई थी तो कौन से कानून के तहत दी गई थी? द सुप्रीम कोर्ट बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना वांटेड द कमेटी टू डाइव डीप। एनवी रमन्ना जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो कहते हैं कि भैया डिटेल में ढूंढ के लाना, डाइव डीप इनटू द फर्स्ट पब्लिक साइन ऑफ द एलिज यूज ऑफ द मिलिट्री रेड स्पाईवेयर ईयर्स एगो, कि पहली बार इसका इस्तेमाल कब हुआ था। द कोर्ट हैड वांटेड द कमेटी टू डिग अप द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आफ्टर रिपोर्ट्स वर पब्लिश इन द ईयर 2019, कि सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए जब 2019 में पहली बार पता लगा कि हैकिंग हुई थी व्हाट्सएप अकाउंट्स की यूजिंग द पेगासस सूट ऑफ स्पाईवेयर, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। द कोर्ट ऑल्सो वांट्स द कमेटी टू यूज इट्स एक्सपर्टीज टू टेस्ट द एग्जिस्टिंग सर्विलेंस लॉज एंड प्रोसीजर टू सी हाउ मच दे वैल्यू एंड प्रोटेक्ट सिटीजन प्राइवेसीज, कि जो एग्जिस्टिंग इस तरह के लॉज हैं वो कितना लाइक सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं ये सारी चीज़ें और उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद द कोर्ट सेड दैट द कमेटी शुड कम अप विद रिकमेंडेशन टू प्रिवेंट स्टेट एंड द नॉन स्टेट प्लेयर्स फ्रॉम इन्वेडिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी ऑफ सिटीजन थ्रू इलीगल सर्विलेंस माउंटेड ऑन देम। कोर्ट ने यह भी कहा है कमेटी को, भैया हमें कुछ रिकमेंडेशन भी चाहिए आपकी तरफ से कि किस तरीके से स्टेट या नॉन स्टेट प्लेयर्स जो हैं प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको कैसे रोका जा सकता है सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी ब्रीच करने से और जो वो इलीगल सर्विलेंस करके करते हैं। द कोर्ट हैज़ ऑल्सो आस्क द जस्टिस रविंद्रन जो कि हेड हैं इस कमेटी के, जस्टिस रविंद्रन पैनल टू कम अप विद सजेशंस फॉर एनहेंसिंग द इम्प्रूविंग द साइबर सिक्योरिटी ऑफ द नेशन एंड इट्स एसेट्स। जस्टिस रविंद्रन के पैनल से ये भी कहा है कोर्ट ने कि भैया हमसे आपको ये भी सजेशन चाहिए कि हम साइबर सिक्योरिटी को और जो हमारे राष्ट्र की साइबर सिक्योरिटी है और जो हमारी एसेट्स हैं उनको हम और कैसे मजबूत कर सकते हैं, वो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो ये सारा का सारा काम रहेगा इस कमेटी का। इस कमेटी का अध्यक्ष कौन है आप ये देख लीजिए, जस्टिस आर वी रविंद्रन। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उसके बाद आती है ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी पुश्ड फॉर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। लाइक जो नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसमें थोड़े से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की बात की गई है। इट विल कवर एक्टिविटीज लाइक एरोबैटिक्स, बैलूनिंग, पैराग्लाइडिंग एंड माइक्रो लाइटिंग। राइट गाइस, तो कौन कौन सी इसमें लाइक एक्टिविटीज इंक्लूड होंगी
चलते हैं आगे। द गवर्नमेंट ऑन संडे रिलीज ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर एयर स्पोर्ट्स इन द कंट्री दैट विल रिक्वायर एंटिटीज प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज एंड देयर इक्विपमेंट टू बी रजिस्टर्ड एज वेल एज लाइबल फॉर पेनल्टीज। ठीक है, संडे को रिलीज कर दिया इन्होंने ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी एयर स्पोर्ट्स के लिए। बेसिकली उसमें क्या होगा, जो जो एंटिटीज एयर स्पोर्ट्स सर्विस प्रोवाइड करवा रही हैं उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, और अगर कुछ ऐसा कुछ करती हैं जो कि उस पॉलिसी में नहीं है उसके अगेंस्ट है तो उनके ऊपर पेनल्टीज भी लगाई जाएगी। द पॉलिसी प्रपोजेज ए टू टीयर गवर्नेंस स्ट्रक्चर फॉर एयर स्पोर्ट्स इन द कंट्री। तो टू टीयर गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगा विच विल इंक्लूड एन एपेक्स गवर्निंग बॉडी कॉल्ड द एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। एक एपेक्स गवर्निंग बॉडी होगी जिसको एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कहा जाएगा, एंड एसोसिएशन फॉर ईच एयर स्पोर्ट्स, और हर एयर स्पोर्ट्स के लिए एसोसिएशन होगी। इट विल कवर एक्टिविटीज़ लाइक एरोबेटिक्स, एरोबेटिक्स को कवर करेगी, एरो मॉडलिंग को करेगी, एमेच्योर बिल्ट एंड द एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट, बैलूनिंग, ड्रोन्स, ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैरा ग्लाइडिंग, माइक्रो लाइटनिंग, पैरा मॉनिटरिंग, स्काई डाइविंग एंड द विंटेज एयरक्राफ्ट। मतलब एयर से रिलेटेड जितने भी स्पोर्ट्स हैं उन सबको कवर करेगी। द ASFI, द एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया विल बी एन ऑटोनोमस बॉडी होगी, उसके पास अपनी स्वतंत्रता होगी, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एंड विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द लुसाने हेडक्वार्टर फेडरेशन एरोनेटिक इंटरनेशनल FAI एंड अदर ग्लोबल प्लेटफॉर्म रिलेटेड टू एयर स्पोर्ट्स। मतलब जितने भी ग्लोबल लाइक प्लेटफॉर्म्स हैं स्पोर्ट्स के वहाँ पर रिप्रेजेंट भी करेगी ASFI इंडिया को। इट विल प्रोवाइड गवर्नेंस ओवर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एयर स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग रेगुलेशन, इसके ऊपर भी गवर्नेंस प्रोवाइड करेगी एयर स्पोर्ट्स के जितने भी एस्पेक्ट हैं, जिसमें रेगुलेशन आ जाता है, सर्टिफिकेशन आ जाता है, कंपटीशन, अवार्ड्स एंड पेनल्टीज। उसके बाद चलते हैं रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। राइट गाइस, ऑल पर्सन एंड एंटिटीज प्रोवाइडिंग एयर स्पोर्ट्स सर्विस विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड एज मेंबर्स ऑफ द रेस्पेक्टिंग एयर स्पोर्ट्स एसोसिएशंस। मतलब जितने भी लोग हैं ना और एंटिटीज़ हैं जो एयर स्पोर्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे उनको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इट इज़ सपोज दैट द पॉपुलर एयर स्पोर्ट अट्रैक्शन इन द कंट्री, कौन कौन से हैं, जैसे बीर बिलिंग हो गया हिमाचल प्रदेश में, गैंगटॉक इन सिक्किम हो गया, ये क्या हो गया, हडपासर इन महाराष्ट्र हो गया, वैगमॉन इन केरला, एंड कैन बी क्लियर्ड एज कंट्रोल जोन फॉर एयर स्पोर्ट्स इन ऑर्डर टू एंश्योर द सेफ्टी एंड अदर मैंड एयरक्राफ्ट। इनको कंट्रोल जोन घोषित कर दिया जाएगा, वहाँ पर एयरक्राफ्ट्स वगैरह को ज़्यादा परमिशन नहीं दी जाएगी। स्कूल एंड कॉलेजेस विल बी एनकरेज टू इंक्लूड एयर स्पोर्ट्स इन देयर करिकुलम एंड देयर स्टूडेंट विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द FAI's इंटरनेशनल कंपटीशन। स्कूल और कॉलेज को लाइक प्रमोट किया जाएगा कि आप अपने करिकुलम में एयर स्पोर्ट्स को इंक्लूड कीजिए और उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे इंटरनेशनल एयर कंपटीशन में। द ड्राफ्ट पॉलिसी ऑल्सो एम टू प्रमोट डोमेस्टिक डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ एयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो एयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए डोमेस्टिक डेवलपमेंट एंड मैनुफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाएगा अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। वेव इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन इक्विपमेंट फॉर फ्यू ईयर्स, और जब बाहर से कुछ इक्विपमेंट मंगा रहे हैं उनके ऊपर से इम्पोर्ट ड्यूटी हटा ली जाएगी, एज वेल एज क्वेस्ट द GST काउंसिल टू कंसिडर रैशनलाइजिंग द GST रेट ऑन द एयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अप टू 5% और लेस। और GST से भी कहा जाएगा कि भैया इस पर थोड़ी सी राहत आप लोगों को दे सकते हैं, 5% तक तो दे दीजिए। तो ये थी ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। चलते हैं आगे। मालाबार इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स नेवल एक्सरसाइज। नेवी की तरफ से कुछ आ रहा है, राइट, देखते हैं इसको। व्हाइल द नेवी गियर अप्स टू होल्ड इट्स लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलन कहेंगे इसको हम, ठीक है, लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलन। राइट गाइस, आज मेरा पेन थोड़ा सा इशू कर रहा है, लगता है इसका सेल गया, ठीक है थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसे, राइट, माउस से करना पड़ रहा है। सो व्हाइल द नेवी गियर्स अप टू होल्ड इट्स लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलन एट द एंड ऑफ द फरवरी, देर आर रिक्वेस्ट फ्रॉम द सेवरल कंट्रीज फॉर वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ एक्सरसाइज, डिफेंस ऑफिशियल सेड, पॉइंटिंग आउट दैट द मालाबार इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स नेवल एक्सरसाइज इंडिया डज विद एनी अदर कंट्री। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो मालाबार एक्सरसाइज होती है ना, इंडिया की नेवल एक्सरसाइज, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और इसमें इनके पास बहुत सारे लाइक फॉर्मेट्स के लिए रिक्वेस्ट आ रही है दूसरी कंट्रीज से डिफेंस कि हमें भी आपके साथ लाइक इसमें इंक्लूड होना है। तो उसके बाद मीनवाइल चाइना कंटिन्यूज टू एक्सपेंड इट्स प्रेजेंस इन एंड असिस्टेंस इन द रीजन, द लेटेस्ट बींग द डिलीवरी ऑफ द मिंग क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन टू म्यांमार, इट्स सेकेंड सबमरीन आफ्टर द फर्स्ट वन गिवन बाई इंडिया।
द टेम्पो ऑफ द एक्सरसाइज हैज बीन वेरी हाई लास्ट फ्यू ईयर्स एंड मोर कंट्रीज वॉन्ट टू एक्सरसाइज विद अस, कि बहुत सारी कंट्रीज हमारे साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज करना चाहती हैं. वन डिफेंस ऑफिशियल सेड दिस कुड सी सम कंसोलिडेशन विद एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग बायलेटरल एंड द ट्राइलेटरल एक्सरसाइज इनटू लार्जर फॉर्मेट्स. बायलेटरल और ट्राइलेटरल जहाँ पर दो कंट्रीज या तीन कंट्रीज एक साथ मिलकर एक्सरसाइज करती है, विच कुड ब्रिंग डाउन द ओवरऑल नंबर्स वाइल इंक्रीजिंग द एंगेजमेंट एंड ऑफिशियल ट्रेड. दीज एंगेजमेंट आर फर्दर एम्पलीफाइड बाई द बायलेटरल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स. फर्दर एम्पलीफाइड होती है जो हमारे बायलेटरल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट होते हैं दूसरे देशों के साथ, व्यापार समझौते होते हैं, नेवी टू नेवी एग्रीमेंट होते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, KTB बोलते हैं, नॉलेज ट्रांसफर एग्रीमेंट्स दैट इंडिया हैज कंक्लूडेड विद सेवरल कंट्रीज. सम कंट्री रिक्वायर्स अ नेवी टू नेवी एग्रीमेंट फॉर देयर ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस. कुछ कंट्रीज चाहती हैं कि नेवी टू नेवी एग्रीमेंट हो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस के लिए. इंडिया ऑल्सो एक्सचेंज मैरीटाइम इंफॉर्मेशन बायलेटरली विद फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज टू क्रिएट मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इन द इंडियन ओशियन रीजन. तो इंडियन ओशियन रीजन में MDA डेवलप करने के लिए, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए इंडिया इंफॉर्मेशन भी शेयर करता है बायलेटरल फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के साथ. बायलेटरली मतलब हम भी शेयर करते हैं, उनसे भी लेते हैं. तो मालाबार इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स नेवल एक्सरसाइज वाइल द नेवी गियर इज अप टू होल्ड इट लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज बिलन. बिलन में बहुत सारी कंट्रीज आएंगी और मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होगी नेवी की, याद रखना. थर्ड वेव हैज स्टार्टेड इन तमिलनाडु. इन्फेक्शन हैज बीन राइजिंग इंक्रीमेंटली सेज हेल्थ मिनिस्टर MA Subramaniam. द थर्ड वेव ऑफ द COVID-19 पेंडेमिक हैज स्टार्टेड इन तमिलनाडु में स्टार्ट हो गई है, उनके हेल्थ मिनिस्टर ने कह दिया है. द इन्फेक्शन इज स्प्रेडिंग इन द पास्ट फ्यू डेज इट हैज बीन रेजिंग इंक्रीमेंटली और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ही सेड साइटिंग द नंबर्स ऑफ फ्रेश केसेज इन द स्टेट वाइल इंस्पेक्टिंग द 17th मेगा वैक्सीनेशन कैंप. 17वें मेगा वैक्सीनेशन कैंप को इंस्पेक्ट करते हुए उन्होंने बताया था. 1.33.22 लाख स्टूडेंट एज 15 to 18 फॉर वोम वैक्सीनेशन वुड बी लॉन्च एट मंथोपू गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल एट साइदेपेट ऑन मंडे. 26 लाख वुड बी कवर्ड थ्रू द लोकल बॉडीज. 26 लाख को बच्चों को लोकल बॉडीज कवर करेंगी विद सपोर्ट फ्रॉम द स्कूल एजुकेशन एंड द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की सपोर्ट रहेगी. ऑफ द 4 लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट 46% हैव रिसीव द फर्स्ट डोज एंड 12% द सेकेंड डोज. 46% 4 लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट में से 46 जो है उन्होंने फर्स्ट डोज रिसीव कर लिया, 12% और 12% उसमें से सेकेंड डोज भी रिसीव कर चुके हैं. करंटली दोज इन्फेक्टेड विद द ओमिक्रॉन वेरियंट अंडर गो स्वैब टेस्ट ऑन द थर्ड डे ऑफ द एडमिशन टू हॉस्पिटल एंड अगेन ऑन द 5th डे. तीसरे और पांचवें दिन स्वैब टेस्ट हो रहा है हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद. इफ द टेस्ट नेगेटिव बोथ टाइम्स दे आर डिस्चार्ज एंड एडवाइज ट्रीटमेंट एट होम. टेस्ट नेगेटिव होता है दोनों बार, डिस्चार्ज करके घर भेज दिया जाता है और कहते हैं कि घर पर आप ट्रीटमेंट लीजिए. आप चलते हैं अगली खबर की तरफ. अगली खबर आ रही है नेपाल के हवाले से. देवबा विजिट आइडियल टू रिज्यूम इंडिया नेपाल टॉक एक्स एनवॉय. नेपाल PM शेड्यूल टू अटेंड वाइब्रेंट गुजरात समिट होने वाला है बच्चों. नेपाल के PM शेर बहादुर देवबा इसको अटेंड करेंगे. द अपकमिंग विजिट ऑफ द नेपाल प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देवबा टू द वाइब्रेंट गुजरात समिट टू बी हेल्ड फ्रॉम जनवरी 10 से जो होने वाली है वाइब्रेंट गुजरात समिट, देखते हैं अभी कोरोना चल रहा है, देखते हैं क्या होगा. विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर काठमांडू एंड न्यू दिल्ली टू टर्न द पेज ओवर द कॉन्ट्रोवर्सी रिडन फेज ऑफ द कालापानी डिस्प्यूट एंड द स्टार्ट एड्रेसिंग द सब्सटेंशियल इशू, अ वेटरन नेपाली डिप्लोमेट हैड सेड. तो एक नेपाली डिप्लोमेट ने कहा है कि जो शेर बहादुर देवबा 10 जनवरी को गुजरात वाइब्रेंट गुजरात समिट में पहुंचेंगे तो इससे एक नया चैप्टर दिल्ली का और काठमांडू का शुरू होगा इंडिया नेपाल रिलेशन का. जो पुरानी हमारी कंट्रोवर्सी चल रही थी KP शर्मा ओली के टाइम से, जो एक काला पानी डिस्प्यूट को लेकर, और KP शर्मा ओली जो चाइना के इन्फ्लुएंस में काम कर रहे थे इंडिया के अगेंस्ट, कहते तो हैं कि नेपाल का और भारत का रोटी बेटी का रिश्ता है, कि कमाने भी यहाँ आते हैं, इंडिया और नेपाली लोगों में शादियाँ भी होती हैं. तो खैर उस पुरानी चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ने का एक प्रयास किया जाएगा. उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी लेवल डायलॉग टू रिजोल्व द लिंगरिंग बायलेटरल इरिटेंट्स. तो मतलब फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पर बातचीत होगी, जितने भी हमारे बायलेटरल इश्यूज पेंडिंग पड़े हैं उनको डिस्कस किया जाएगा. ही सेड द विजिट दो एम्ड एट द बिजनेस समिट इन गुजरात इज सिम्बोलिकली सिग्निफिकेंट. सांकेतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है मीटिंग, हालांकि वो बिजनेस समिट में जा रहे हैं गुजरात में, लेकिन इसके जो संकेत हैं वो अच्छे हैं कि किसी एक दूसरे PM का दूसरे देश में जाना तो अपने आप में इज अ गुड सिम्टम. इज अ सिम्बोलिकली सिग्निफिकेंट एज इट इज द फर्स्ट टाइम दैट अ PM फ्रॉम द काठमांडू विल विजिट फॉलोइंग
द बिटर स्पेट ओवर द काला पानी बॉर्डर रो दैट लास्टेड ओवर 2 years. 2 साल के बाद जो हमारी उनकी काला पानी को लेकर कहासुनी चल रही थी, उसके बाद पहली बार कोई नेपाली प्रधानमंत्री भारत पहुंच रहे, तो अपने आप में इट्स अ गुड सिम्बॉलिक और अच्छा सिम्टम है, भविष्य के लिए चलते हैं आगे. विद रिसेंट ओवरटर्स इंडिया चाइना आई स्टेबिलिटी इन टाइम इंटाइज आफ्टर अ ईयर ऑफ टेंशन. हुआ क्या था भैया, नए साल पर मिठाई एक्सचेंज की गई थी, हमने यहाँ से बनी हुई मिठाई दी थी, उन्होंने अपने यहाँ से बनी हुई दी थी, उसी को लेकर एक आर्टिकल लिख दिया है उम्मीद को कायम करते हुए. तो अनंत कृष्णा और सुधीर हैदर ने मिलकर, सुहासिनी हैदर ने मिलकर, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल चाइना पीपल लिबरेशन आर्मी PLA हैज रिफ्यूज टू बज ऑन द इंडियाज डिमांड दैट दे रिस्टोर स्टेटस को एंटे बाई विदड्रॉइंग फ्रॉम अदर एरियाज लाइक डैमचोक हॉट स्प्रिंग एंड द डेस्पांग प्लेन्स. तो लाइक चाइना ने मना कर दिया था, इंडिया ने कहा था भैया स्टेटस को रखते हैं, PLA ने मना कर दिया था, इंडिया ने कहा था कि विड्रॉ करो, कहाँ से, डैम चौक से करो, हॉट स्प्रिंग से करो, डेस्पैंग प्लेन से करो, चाइना ने मना कर दिया, स्टेटस को नहीं रखेंगे, हम आ गए हैं तो आ गए. अनएक्सपेक्टेड टॉक्स. इवन सो द एक्सचेंज ऑन January 1 सेवरल राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन डिप्लोमेट्स, यहाँ लिखा हुआ है ना द एक्सचेंज ऑफ स्वीट एट द 10 posts अलोंग चाइना इंडिया बॉर्डर ऑन न्यू ईयर्स डे. तो इवन सो द एक्सचेंज ऑन द January 1 सेवरल राउंड ऑफ टॉक बिटवीन डिप्लोमेट एंड द मिलिट्री कमांडर्स एंड एन अनएक्सपेक्टेडली अपबीट फेयरवेल वीडियो कॉन्फ्रेंस बिटवीन चाइनाज फॉरन मिनिस्टर वैंग यी एंड द आउट गोइंग इंडियन एम्बेसडर विक्रम मिश्री. करा था ना कवर DHNA में, विक्रम मिश्री को अपॉइंट कर दिया गया है लास्ट मंथ. वेयर बोथ साइड स्पोक ऑफ द अन इंटरप्टेड कम्युनिकेशन एज द सिल्वर लाइनिंग अराउंड द डार्क क्लाउड्स दैट एनगल्फ द बायलेटरल रिलेशन विच आर परहैप्स एट देयर वर्स्ट पॉइंट सिंस द 1980s आर इंडिकेशन ऑफ बोथ साइड सीकिंग एन इम्प्रूवमेंट. तो मतलब इस छोटी सी बात के लिए मैं आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ. इसमें क्या था कि लाइक जो डिप्लोमेट और मिलिट्री कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी और उसके बाद इंडियन एम्बेसडर विक्रम मिश्री मिले हैं चाइना फॉरेन मिनिस्टर यांग ली से, तो एक उम्मीद दिखाई दे रही है कि दोनों जो देश हैं ये क्या चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में. इट इज़ पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट दैट द एक्सचेंज टुक प्लेसेस इन एरियाज एज सच एज डैमचोक, जो मिठाइयों का एक्सचेंज हुआ है डैमचोक में हुआ है, डेस्पांग में हुआ है, दैट सॉ PLA ट्रूप्स ऑक्यूपाइड लैंड क्लेम्ड बाई इंडिया. जो PLA ट्रूप्स थे उन्होंने उस लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया है जिसको इंडिया क्लेम करता हुआ आ रहा है, लीडिंग टू द क्रिटिसिज्म दैट द मोदी गवर्नमेंट मे बी लुकिंग टू एग्री टू अ कॉम्प्रोमाइज इन दीज एरियाज. उसके बाद आगे चलते हैं. द चाइनीज फॉरन मिनिस्ट्री सोट टू पब्लिसाइज द मीटिंग डिस्पाइट द स्टेट ऑफ रिलेशन एंड द रिसेंटली श्रिल रेटोरिक फ्रॉम द स्टेट मीडिया इन चाइना वो ऑल्सो सीन बाय द ऑब्जर्व एज सिग्निफिकेंट. मिस्टर मिश्री हैज नाउ टेकन ओवर एज द डेप्यूटी नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर. तो मिस्टर मिश्री जो है इनको डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया है, एक तरीके से जो हमारे NSA है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल उनके असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं. अनदर पॉजिटिव साइन केम इन दिसंबर आफ्टर द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन टॉक्स विद द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन दिल्ली एंड मिस्टर पुतिन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस विद द चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग लेटर इन द सेम मंथ. ए सीनियर क्रेमलिन AD सेड दैट द लीडर्स हैव डिस्कस होल्डिंग अ रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल इन द नियर फ्यूचर. अ पॉसिबिलिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड नीदर कन्फर्म नॉर डिनाइड. कहने का मतलब है कि जो पुतिन मोदी जी से मिले थे उसके बाद प्रेजिडेंट चाइना शी जिनपिंग से मिले थे, ऐसा हो सकता है कि आने वाले भविष्य में एक ट्राइलेटरल रिलेशनशिप देखने को मिले, इंडिया की, चाइना की और रशिया की, तीनों मिलकर कुछ करना चाहें. उसके बाद आगे चलते हैं. हालांकि हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री से जब इसके बारे में पूछा गया ना तो उन्होंने हाँ कहा ना ना कहा. एंड एन ऑफिशियल सेड दैट द मोस्ट दे कैन होप फॉर इज दैट ties stabilize in the coming year as the Indian army attempt to hold off Beijing territorial aggression. तो जो हमारे उनके बीच में टेंशन चल रहा है और हमारे जो उनके संबंध हैं वो स्टेबलाइज हों, थोड़ा सा स्थिर हों. न्यू बॉर्डर लॉ कल डिस्कस किया था डिटेल में. बीजिंग इज ऑल्सो पुशिंग एड विद द ब्लॉस्टिंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन द बॉर्डर एरियाज एंड हैज पास द न्यू बॉर्डर लॉ दैट केम इन टू इफेक्ट ऑन द January 1 से, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में 15 जगहों के उन्होंने नाम बदले हैं कुछ शहरों के, उसके बाद कुछ रिवर्स के, माउंटेन पास के और माउंटेन के नाम बदले हैं. ठीक है. द लॉ कॉल ऑन द गवर्नमेंट एजेंसीज इन चाइना टू टेक स्टेप टू सेफ गार्ड सॉवरनिटी. और ये जो नया कानून चाइना 1 जनवरी से लागू किया है वो चाइना की सॉवरनिटी, जो संप्रभुता है, उसको मजबूत करने की बात करता है. बीजिंग हैज ऑल्सो एक्सीलरेटेड प्लान्स टू बिल्ड सिविलियन फ्रंटियर विलेज इंक्लूडिंग इन डिस्प्यूटेड एरिया वाइल द चाइनीज गवर्नमेंट ऑन December 30 इशूड न्यू स्टैंडर्डाइज नेम ऑफ 15 places इन अरुणाचल प्रदेश, जो अभी हमने बात की, to be used on Chinese map ahead of the law coming into effect. मतलब 15 जो places हैं अरुणाचल प्रदेश में उनका नाम बदला गया है, चाइनीज मैप में भी अपडेट कर दिया जाएगा. और फ्रंटियर विलेज बना रहा है चाइना, कहाँ पर, डिस्प्यूटेड लैंड पर, जो इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट है उन पर गांव बना रहा है, लोगों को बसा भी रहा है, ट्रेड टाइज.
बायलेटरल ट्रेड हैज हाउएवर कंटिन्यू टू बूम, जैसा कि हमने बात की थी कि हमारा और चाइना का जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता है वो बहुत दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता जा रहा है, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप खराब होते जा रहे हैं। एंड इन 2021 रीच द हाईएस्ट एवर आफ्टर 11 मंथ ऑफ द ईयर टू वे ट्रेड रीच $114.26 बिलियन विद चाइनीज एक्सपोर्ट्स टू इंडिया टचिंग अ वोपिंग $87.9 बिलियन एंड इंडिया एक्सपोर्ट्स अकाउंटिंग टू $26.35 बिलियन बोथ रिकॉर्ड फिगर अकॉर्डिंग टू द चाइना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम। यानी कि पर्सनल फ्रंट पर हम लोग और लाइक टेरिटोरियल फ्रंट पर इंडिया और चाइना में ज़बरदस्त एग्रेशन है, लेकिन बिजनेस फ्रंट पर जितनी हारमोनी इंडिया और चाइना में दिखाई दे रही है वो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। तो देखते हैं भविष्य में क्या होता है। उसके बाद एक एक्सप्लेनर आया था, तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। द फंक्शनिंग ऑफ इंसाकॉग, INSACOG, व्हाट हैज़ बीन इंसाकॉग रोल थ्रू द पेंडेमिक, इसका क्या पेंडेमिक के रोल था, पेंडेमिक के दौरान क्या इसका रोल था, व्हाट आर द चैलेंजेस द फोरम फेसेस। द दिल्ली बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC, अ यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री लेबोरेटरी एंड अ की INSACOG लैब हैज आस्क्ड द टेम्परेरी पॉज सेंडिंग COVID-19 पॉजिटिव सैंपल्स टू इट। लैब्स हैव बीन सेंडिंग सैंपल टू चेक फॉर द पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ द ओमिक्रॉन वेरियंट। दिस इज बिकॉज ऑफ द सर्ज ऑफ ओमिक्रॉन इन दिल्ली एंड द हाईली इन्फेक्शन नेचर ऑफ द वेरियंट। दिस इज द स्टोरी सो फार। अब देखते हैं इंसाकॉग क्या है। INSACOG, इंसाकॉग इज अ कंसोर्टियम ऑफ 10 लैब्स एंड 18 सेटेलाइट लैब अक्रॉस इंडिया। सो इंसाकॉग क्या है, कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मतलब क्या है, समूह, ठीक है, जैसे आपका क्लैट का कंसोर्टियम है ना बच्चों। तो इसमें क्या है, 10 लैब्स, राइट, एक सेकेंड, 10 लैब्स और 18 सैटेलाइट लैब्स, टोटल 28। सो इंसाकॉग इज अ कंसोर्टियम ऑफ 10 लैब्स एंड द 18 सैटेलाइट लैब अक्रॉस इंडिया। और काम क्या दिया गया, टास्क विद द स्कैनिंग कोरोना वायरस सैंपल्स फ्रॉम द स्वास्थ्य ऑफ पेशेंट्स एंड फ्लैगिंग एट द प्रेजेंस ऑफ द वेरियंट्स दैट वर नोन टू हैव स्पाइक ट्रांसमिशन इंटरनेशनली। काम क्या है कि लाइक पेशेंट से सैंपल लेना है, उसके बाद देखना है कि उसमें लाइक वायरस तो नहीं है, और लाइक जो इतनी तेजी से ट्रांसमिशन कर रहे हैं इंटरनेशनली कोई नए वायरस का, उनको ट्रेस मिलता है या नहीं मिलता है, ये सारी चीज़ें चेक करता है। इट इज़ ऑल्सो टास्क विद ट्रैकिंग सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूटेशन दैट बिकम मोर वाइड स्प्रेड इन इंडिया। एक और काम दिया गया है कि लाइक जो भी इस वेरियंट की, कोविड के वेरियंट की म्यूटेशंस होंगी जो इंडिया में लाइक इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उनको भी चेक करते रहना है। उसके बाद आगे चलते हैं। सो वाट हैज इट फाउंड सो फॉर, किस क्या इसको अब तक मिला है। द इंसाकॉग सीक्वेंस अबाउट 1 लाख सैंपल्स, अब तक इन्होंने 1 लाख सैंपल्स देखे हैं एज अल्टी December 2021 तक। वेन दिस डाटा वॉज लास्ट मेड पब्लिकली अवेलेबल, द बल्क ऑफ इट्स एफर्ट हैज बीन फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग इंटरनेशनल वेरियंट्स ऑफ कंसर्न्स। तो क्या ये फोकस कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल VOCs हैं, वेरियंट ऑफ कंसर्न्स हैं कोविड के, उनको आइडेंटिफाई करना। That are marked out by the World Health Organization as being particularly infectious or pathogenic, जिसको WHO ने infectious और pathogenic भी बताया जिन variants को। International travelers who arrives in India and test positive are the ones whose sample usually get sent to INSACOG for determining the genomic variant. तो basically जो international हमारे जो travelers आते हैं India में आते हैं और positive पाए जाते हैं COVID positive, उनके सैंपल लेकर इंसाकॉग को भेजा जाता है ताकि वो जीनोमिक वेरिएंट देख सके, उसमें कंफर्म कर सके, राइट। उसके बाद बियॉन्ड आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स व्हाई इज जीनोम सीक्वेंसिंग यूजफुल, ठीक है, तो जीनोम सीक्वेंसेस इतनी यूजफुल क्यों हैं। द पर्पज ऑफ द जीनोम सीक्वेंसेस इज टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ सर्टेन म्यूटेशंस इन इंक्रीजिंग द वायरस इन्फेक्टिविटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीनोम सीक्वेंसेस, एक बार इसको देख लीजिए। जीनोम सीक्वेंसिंग होता क्या है, द पर्पज क्या है जीनोम सीक्वेंसिंग का, इज टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ सर्टेन म्यूटेशंस इन इंक्रीजिंग द वायरस इन्फेक्टिविटी। एक वायरस जो इन्फेक्शन फैलाता है, ठीक है, उसकी इन्फेक्शन फैलाने की ताकत, ठीक है, इन्फेक्टिविटी, ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या करती है, रोल ऑफ सर्टेन म्यूटेशंस इन इंक्रीजिंग, कि जो म्यूटेशन होती है, वायरस म्यूटेट करता है, उस म्यूटेशन से वायरस की इन्फेक्शन फैलाने की जो ताकत है, इन्फेक्टिविटी, वो बढ़ती कैसे है। सम म्यूटेशंस हैव आल्सो बीन लिंक्ड टू द इम्यून एस्केप और द वायरस एबिलिटी टू इवेड एंटीबॉडीज। कुछ म्यूटेशंस ऐसे हो जाते हैं वायरस के जिससे वो लाइक इम्यूनिटी मिल जाती है उसकी, ठीक है, एंटीबॉडीज से वो बच जाता है, एंड दिस हैज कॉन्सिक्वेंस फॉर वैक्सीन्स।
उसके बाद लैब अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग मैनी इन इंडिया हैव बीन स्टडिंग इफ द वैक्सीन्स डेवलप्ड सो फार आर इफेक्टिव अगेंस्ट सच म्यूटेंट स्ट्रेन्स ऑफ द वायरस दे डू दिस बाई एक्सट्रैक्टिंग वायरस फ्रॉम द कोरोना वायरस पॉजिटिव सैंपल्स एंड ग्रोइंग इनफ ऑफ देम। तो मतलब एक तरीका बताया गया है कि किस तरीके से जितनी भी लैब हैं इंडिया में या अक्रॉस द वर्ल्ड इंटरनेशनली सिचुएटेड हैं वो किस तरीके से वैक्सीन और वैक्सीन के इफेक्ट को स्टडी करती हैं वायरस के ऊपर, उसकी जो लेटेस्ट म्यूटेशंस होती हैं इन सब के ऊपर। अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। जीनोम सीक्वेंसिस इज डन बाय आइसोलेटिंग द जेनरिक मटीरियल जिसको आरएनए कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं इसको, आरएनए बहुत पहले मैंने पढ़ा था। जीनोमिक सीक्वेंसिस कैसे की जाती है, जेनेटिक मटीरियल को आइसोलेट कर देते हैं कोरोना वायरस से, आइसोलेटिंग बाय द जेनेटिक मटीरियल आरएनए ऑफ द कोरोना वायरस सैंपल्स, उससे कोरोना वायरस सैंपल से लाइक उसको आइसोलेट कर देते हैं जेनेटिक मटेरियल को, इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो इंसाकोव की अगर आपको डेफिनेशन वो फुल फॉर्म लिखनी है तो आप लिख सकते हैं इंडियन, इसका पूरा हो जाएगा लाइक इंडियन सार्स SARS CoV-2 जेनेटिक्स कंसोर्शियम कहिए इंडियन सार्स कोविड टू जेनेटिक कंसोर्शियम, राइट गाइस। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और अंडर के हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर इसको सेटअप किया गया है बेसिकली। व्हाट आर इंसाकोव चैलेंजेस, इसके चैलेंजेस क्या है, गिवन दैट द कोविड 19 इज स्प्रेडिंग म्यूटेटिंग एंड शोइंग ज्योग्राफिकल वेरिएशंस द ओरिजिनल एम ऑफ द ग्रुप वाज टू सिक्वेंस एटलीस्ट 5% ऑफ कोविड 19 सैंपल्स, कि कोविड 19 के 5% सैंपल्स को तो लाइक ये लोग सिक्वेंस करें। बट ओनली 1% हैज बीन अचीव्ड येट, अब तक केवल 1% किया गया है, प्राइमरी ड्यू टू अ शॉर्टेज ऑफ फंड, फंड की शॉर्टेज है, इनसफिशियंट रीजेंट्स एंड टूल नेसेसरी टू रैपिडली स्केल अप। While same are these teething troubles, the INSACOG, in spite of being peopled by expert scientists, is ultimately within the central government communication structure. Expert scientists भी इसके पास अभी available नहीं है उतने। चलते हैं अगले explainer की तरफ। तो ये INSACOG के लिए था, इसमें full form हो जाएगी Indian SARS-CoV-2 Genotics Consortium। इसका काम क्या है basically, mutations को और genome sequences के through check करना, कैसे mutate कर सकता है, vaccine का क्या impact पड़ता है, कौन कौन सी कंडीशन है जब वायरस इतनी इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है कि एंटीबॉडीज से बच जाता है। चलते हैं आगे। कंसोर्शियम है टोटल 18 लैब्स का, 10 लाइक ऑल ओवर इंडिया, 18 सैटेलाइट लैब्स हैं उसमें से 10 रेगुलर लैब्स हैं। उसके बाद चलते हैं ब्रिजिंग द लर्निंग गैप विद अ PI, ये इंपॉर्टेंट है कुछ, अ लो कॉस्ट पीस ऑफ टेक्नोलॉजी टू ब्लॉस्टर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लर्निंग स्टोरी सो फार। On December 21, NASA launched into space a SpaceX Falcon 9 rocket, which carried the Dragon 2 spacecraft loaded with the various equipment for astronomers on the board the International Space Station. ठीक है, December 21 को NASA ने launch किया था SpaceX का। SpaceX कौन है? Elon Musk। Falcon 9 rocket था, ठीक है, जो क्या carry कर रहा था, Dragon 2 spacecraft, उसमें क्या था, equipment थे astronauts के लिए जो International Space Station पर काम कर रहे हैं। द लॉन्च मार्क्ड विद 24th कार्गो मिशन ऑफ द बिलेनियर एलोन मस्क रॉकेट कंपनी टू द ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर स्पेस एजेंसी। फूड इक्विपमेंट टू स्टडी हाउ डिटर्जेंट वर्क इन माइक्रोग्रेविटी, उसमें क्या खाना था और लाइक इक्विपमेंट थे स्टडी करने के लिए डिटर्जेंट माइक्रोग्रेविटी में कैसे काम करता है। एंड बायो प्रिंटर्स टू हेल्प प्रोब वूंड हीलिंग इन स्पेस वर पार्ट ऑफ द कंसाइनमेंट, मतलब इस कंसाइनमेंट में क्या क्या गया। नेसल अमंग दीज डिवाइसेस वर अ पेयर ऑफ कंप्यूटर्स अबाउट द साइज ऑफ सेट टॉप बॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इन सारी डिवाइसेस में क्या था, एक पेयर ऑफ कंप्यूटर्स था और वो जो कंप्यूटर थे किस साइज के थे, जो आपके टीवी पर सेट टॉप बॉक्स लगा हुआ होता है ना उस साइज के। दे आर नॉट द यूजुअल लैपटॉप्स और डेस्कटॉप वी यूज एवरी डे, मतलब ऐसे कंप्यूटर नहीं थे जैसे कि हम यूज करते हैं डेली अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप। द टू सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स, ये टर्म याद रखना, SBC सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स डोंट हैव मॉनिटर अटैच टू देम, मतलब सेट टॉप बॉक्स के साइज का था, जो आपके घर में टीवी का सेट टॉप बॉक्स है इसमें मॉनिटर नहीं लगा हुआ था, इसको SBC बोलते हैं, राइट गाइज, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स। एंड SBC इज बिल्ट ऑन अ सिंगल सर्किट बोर्ड, इसको सिंगल सर्किट बोर्ड पर बनाया जाता है, विच हाउसेज अ माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी यूनिट इनपुट आउटपुट चैनल, ये थोड़ा टेक्निकल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो कवर करते हुए चलेंगे। इसको SBC कहते हैं, बिना मॉनिटर के होता है, सेट टॉप बॉक्स के साइज का होता है, इसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ तो होता है,
मेमोरी यूनिट होती है, इनपुट आउटपुट चैनल होते हैं एंड अदर फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर अ फंक्शनल कंप्यूटर। और जो एक फंक्शनल कंप्यूटर के लिए जो सारी फीचर्स चाहिए होती है वो होती है। द ड्यू पार्ट आउट ऑफ द ड्रैगन टू कंसाइनमेंट कॉल्ड एस्ट्रो पी आई, इसको एस्ट्रो पी आई बोलते हैं, ठीक है राइट, जो ड्रैगन कंप्यूटर में लगा होता है एस्ट्रो पी आई। उसके बाद ड्रैगन टू कंसाइनमेंट जो गया था स्पेस में वर बिल्ट बाय द नॉन प्रॉफिट रेस्पबेरी पी आई फाउंडेशन। किसने बनाया इसको? नॉन प्रॉफिट रेस्पबेरी पी आई फाउंडेशन, याद रखना रेस्पबेरी पी आई फाउंडेशन, इन कोलेबोरेशन विद द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा। रेस्पबेरी पी आई फाउंडेशन प्लस ईसा ने इसको मिलकर बनाया, किसको? SBC को, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स को, सिंगल सर्किट बोर्ड को बेसिकली SBC। आगे चलते हैं, क्या यूज हुआ है इसमें? सिंगल सर्किट बोर्ड यूज हुआ है इसमें, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स में। उसके बाद द मिनी कंप्यूटर्स आर इक्विप्ड विद 8 GB रैम, इनमें 8 GB रैम है, हाई क्वालिटी कैमरा है, गूगल कोरल मशीन लर्निंग एक्सीलरेटर है, कलर एंड द ल्यूमिनिसिटी सेंसर है एंड पैसिव इंफ्रारेड सेंसर्स हैं, ठीक है। किंडल क्यूरियोसिटी, द फाउंडेशन एंड द स्पेस एजेंसी एम टू अट्रैक्ट यंग पीपल अंडर 19 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। ये जो फाउंडेशन और स्पेस एजेंसी ESA और रेस्पबेरी पी आई फाउंडेशन है ESA के साथ मिलके, ये क्या कर रहे हैं? उन लोगों को बुला रहे हैं जो 19 साल से कम उम्र के हैं, आइए एक्सपेरिमेंट कीजिए विद कंप्यूटिंग एंड रन देयर प्रोग्राम इन स्पेस, और अपने प्रोग्राम को स्पेस में चलाइए। देयर प्रोजेक्ट हैज़ ड्रॉन ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट मोस्टली इन यूरोप एंड कैनेडा, यूरोप और कैनेडा से बहुत सारे स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं इनके इस प्रोजेक्ट में। द UK बेस्ड फाउंडेशन सीक्स टू ब्रिज द लर्निंग गैप इन कंप्यूटर साइंस एजुकेशन एंड क्रिएट प्लेटफॉर्म फॉर यंग लर्नर्स एंड टेक एंथुजियास्ट टू राइट कोड्स एंड बिल्ड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एंड रोबोट्स। तो इनका मकसद क्या है कि लाइक हम यंग जनरेशन को लेकर आएँ, यंग माइंड को लेकर आएँ, कि जो टेक एंथुजियास्ट हैं कि खुद की कोडिंग करें, उसके बाद अपने खुद के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाएं, अपने रोबोट बनाएं। द एस्ट्रो पी आई इनिशिएटिव इज वन ऑफ द फ्यू वेज ऑफ फुल टैलेंट टूवर्ड्स द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटिंग। तो एस्ट्रो पी आई भी ऐसे ही निकल के आया है सामने। दिस इज द सेकेंड टाइम द नॉन प्रॉफिट हैज सेंट इट्स SBC टू द ISS, ये पहली बार है लाइक किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने SBCs ISS में भेजे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इन 2015 ब्रिटिश ESA एस्ट्रोनॉट टिम पीक टूक द फर्स्ट टू एस्ट्रो पी आईज एज अ पार्ट ऑफ द प्रिंसिपिया मिशन। तो 2015 में पहली बार ब्रिटिश ESA एस्ट्रोनॉट थे जो दो एस्ट्रो पी आईज को लेकर गए थे प्रिंसिपिया मिशन में। उसके बाद दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ हेल्पिंग टीम इन्वेस्टिगेटिंग प्लांट हेल्थ फ्रॉम स्पेस, कहाँ कहाँ पर इनका इस्तेमाल हो सकता है, लाइक प्लांट हेल्थ कैसी रहती है स्पेस में उसको भी ट्रैक करते हैं। थैंक्स टू द हाई क्वालिटी ऑप्टिकल फिल्टर इन द कंजक्शन विद द IR सेंसिटिव कैमरा यूजिंग गूगल कोरल मशीन लर्निंग एक्सीलेटर, लर्नर्स विल बी एबल टू डेवलप मशीन लर्निंग मॉडल्स दैट अलाउ हाई स्पीड रियल टाइम प्रोसेसिंग। थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं। ए DIY किट, डू इट योर सेल्फ टूल किट। द रेस्पबेरी पी आई कंप्यूटर्स आर नॉट लिमिटेड टू रनिंग एक्सपेरिमेंट इन स्पेस, केवल स्पेस तक लिमिटेड नहीं है। दे हैव बीन डिप्लॉयड वाइडली टू बिल्ड रोबोट्स एंड अदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस, और उनका इस्तेमाल किस लिए होता रहा है कि लाइक रोबोट्स बनाने के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT डिवाइसेस बनाने के लिए। वाइल दे डो नॉट लुक लाइक अ कंप्यूटर वी नो द PIs आर ट्रीट फॉर ट्रिंकर्स डेवलपर्स एंड यंग लर्नर्स, दे जस्ट हैव टू सिंपली प्लग इन टू द माइक्रो प्रोसेस टू देयर TV और एनी अदर LED डिस्प्ले एंड रन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ऑन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखना किस पर चलता है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। सीधा किसी भी लाइक LED डिवाइस में लगाइए या TV में लगाइए, कनेक्ट हो जाता है, इसलिए डिस्प्ले की उसमें ज़रूरत नहीं है, उसकी पोर्टेबिलिटी बढ़ा दी गई है इसकी वजह से। द स्मॉलेस्ट रेस्पबेरी PI इन द रेंज कैन परफॉर्म सिंपल कंप्यूटिंग टास्क परफॉर्म कर सकता है एंड versions upward of the model B, the middle one in the range can perform more powerful computing, जैसे ही इसका मॉडल बढ़ाएंगे more powerful computing करेगा, like controlling electric signals को control कर सकता है। That means a student running experiment with a model B PI can run program to communicate with an LED light, build a smart home tech and even make guts of synthesizer। मतलब जो बच्चा model B PI के साथ experiment कर रहा है वो क्या क्या बना सकता है, वो program run कर सकता है LED light पर, बिल्ट स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी बना सकता है। तो बताया गया कि कैसे कैसे अगर हम इसका वर्जन बढ़ाते जाएंगे रेस्पबेरी PI का, एस्ट्रोनॉट PI का, ये किस तरीके से काम करता जाएगा। उसके बाद इन द लास्ट 9 years द रेस्पबेरी PI हैज स्पॉन्ड एन एंटायर इंडस्ट्री ऑफ डेवलपर बोर्ड्स, सम ऑफ देन कैन बीट द डिकेड ओल्ड PI ऑन स्पेक्स बट नन कुड चैलेंज इट ऑन द प्राइस विच रेंज बिटवीन $5 to $55 अ पीस।
मतलब इसका लाइक बड़ा ही किफायती इसको रखा गया है, 2005 से 55 के बीच में है ये बेसिकली। एम्बेडिंग पी आईज इन करिकुलम, द रेसबेरी पी आईज कुड बी एन इफेक्टिव टूल फॉर लर्निंग इन स्कूल एंड कॉलेज इन इंडिया, तो इसलिए मैंने इस एक्सप्लेन को इस्तेमाल किया था कि इसमें लाइक इंडिया का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। तो ये जो रेसबेरी फाउंडेशन के पी आईज हैं ये इफेक्टिव टूल हो सकते हैं लर्निंग के कहाँ पर, स्कूल और कॉलेज में इंडिया में, एज दे क्रिएट एन एवेन्यू फॉर द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ICT एजुकेशन में ये एक बहुत अच्छे कारगर टूल सिद्ध हो सकते हैं जिसपे बच्चे पढ़ सकते हैं लाइक मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। पुणे बेस्ड PI जेम फाउंडेशन, तो पुणे में है PI जेम फाउंडेशन, इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कैन ब्रिज द लर्निंग गैप इन यंग लर्नर्स। तो पुणे में है PI जेम फाउंडेशन, तो इसका एक एग्जाम्पल है कैसे लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है वो ब्रिज कर सकती है जो लर्निंग गैप्स हैं उन सबको। दे यूज द रेस्पबेरी PI कंप्यूटर टू अनेबल स्टूडेंट टू लर्न एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंटली। उसके बाद अलाउिंग स्टूडेंट टू बिल्ड देयर ओन रोबोट्स IoT एंड टू राइट कोड्स यूजिंग लो कॉस्ट बार बोन कंप्यूटर वुड ब्रिज द लर्निंग गैप एंड शिफ्ट द पेडेजी फ्रॉम द थ्योरी बेस्ड टू द प्रैक्टिकल वन। इंडिया इज स्लोली वेकिंग अप टू द लर्निंग गैप चैलेंज बट इट हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो फ्रॉम हियर। देखो भैया इस पूरे के पूरे एक्सप्लेन का क्रक्स ये है कि देखो एक तो आप पढ़ते हैं थ्योरी में ठीक है टेक्नोलॉजी को, उसके बाद आप पढ़ते हैं उसको एक्सपेरिमेंट में उसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये जो रेस्पबेरी PIs हैं ये इतने मतलब अवेलेबल हैं, इतनी इनकी कॉस्ट है कि लाइक जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं इवन अ स्टूडेंट कैन ऑल्सो अफोर्ड देम। और लाइक अब आप थ्योरी से निकल कर लाइव प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आप अपने रोबोट्स बना सकते हैं, आप उनके साथ LED लाइट से कनेक्ट करके एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, होम टेक आप उनसे बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको आपकी एजुकेशन के इनिशियल लेवल पर ये जो PIs हैं बेसिकली जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं जो टेक्नोलॉजी की स्टडी करते हैं उनको उसकी एजुकेशन के इनिशियल लेवल पर ही एक अच्छा हैंड ऑन दिया जाएगा ऑन द एक्सपेरिमेंटेशन जो बूस्ट करेगा उनकी कैपेबिलिटीज़ को आगे और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। तो इस पूरे एग्जाम्पल में से जो क्लैट के स्टूडेंट हैं वो ये निकाल सकते हैं कि रेस्पबेरी PI फाउंडेशन क्या है, ये PIs एक्चुअली होते क्या हैं, SBC जो हमने पढ़ा है और EBC जो हमने पढ़ा है, ये सारी चीज़ें। इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। और पुणे का जो ये PI फाउंडेशन है लाइक आप इसको एक बार देख सकते हैं। राइट गाइज चलते हैं अगली स्लाइड पर। सो ये है थैंक यू की स्लाइड। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल हमने एक स्ट्रेटजी डिस्कशन क्लैट 2022 का एक वीडियो पोस्ट किया था, उसको आपका अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने उसको दिया, उसका पार्ट टू भी जल्दी लेकर आएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आप टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं द लॉजिकल स्टडीज, इंस्टा पर द लॉजिकल स्टडीज, जीमेल पर रहेगा द लॉजिकल स्टडीज @gmail.com, वेबसाइट रहेगी www.thelogicalstudies.com। सो गाइज दिस इज योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे। सी यू टुमारो विद अ न्यू हिंदू वीडियो एनालिसिस। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।